सलमान भाई के बारे में आपको बता दूं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सब जानते होंगे। 2013 से हमारे साथ कनेक्टेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2013 में सलमान भाई ने भी यहीं से डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया था। आज ये किस लेवल पे है, मैं चाहूंगा कि सलमान भाई खुद आए, कोर्स कॉन्टेक्ट भी बताएं, अपने बारे में भी बताएं, इस कोर्स की वैल्यू भी बताएं, और फर्दर क्या इंसाइट्स हैं, आगे उनका क्या सीखने जा रहे हैं। आप सब प्लीज इन पर इनका तालियों में वेलकम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विशाल भाई। जहाँ पे भी ये कहेंगे वहाँ ये तो स्टाफ आपसे डिस्कस करेगा। ये कभी भी आपको छुट्टी लेनी हो, छुट्टी करनी हो, छुट्टी की तो वैसे यहाँ पे इजाज़त नहीं होती भाई, लेकिन इस तरह के जो भी इंतजामी मामला आते हैं ना, वो स्टाफ डिस्कस करेगा। सामने ऑफिस बना रहे वहाँ पे आप रहेंगे, वहाँ पे निशान भाई होंगे, वाजिद भाई होंगे, जो दोनों भी आपसे बात करके हैं, और ये भी होंगे हमारे डॉक्टर साहब, उनको कहते हैं प्यार से, इनका नाम भी है ये आपको सारे नाम अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला भाई होंगे यहाँ पे हमारे, तो इनसे आप बात कर सकते हैं। अटेंडेंस आपकी वो काउंटर पे जो रेड कलर की बत्ती जल रही है वहाँ पे अटेंडेंस होगी आपकी। आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिला होगा आई थिंक, उसकी आपने प्लास्टिक कोटिंग करके, जैसे वो दोस्त अगर खड़े हो तो जरा हाथ ऊपर करके देखा कार्ड, हाँ ये ऐसा आपने बना लेना है। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या होगा कि वो नीचे चौकीदार ना, सिक्योरिटी के आपको पता है मामला था इसमें, तो वो नीचे चौकीदार को पता चलेगा कि जी आप स्टूडेंट हैं, तो वो अदरवाइज आपको ओके का पूछेगा, आपसे टाइम लगाया होगा, तो वो कार्ड आप लटका के आए आराम से, फिर जो पार्किंग में जहाँ पर गाड़ी खड़ी करेंगे अपनी या बाइक खड़ी करेंगे वहाँ पर भी आपका कार्ड लगा होगा, तो वो चौकीदार को पता होगा कि अच्छे जी ये स्टूडेंट, ये आइडेंटिटी आपकी है, और उसी कार्ड से यहाँ पर अटेंडेंस लगेगी QR कोड से, ठीक है। तो और QR कोड से जल्दी जल्दी लग जाता है, आके आप फॉरन लाते हैं लगाते हुए जल्दी लग जाता है। सर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था। हाँ जी, सवाल आप सर कोर्स के टाइप जो हाँ उस बायो के अंदर ये लिखा हुआ था कि ये जो कराची वाले हैं वो ऑन साइट होंगे, आना पड़ेगा, और जो कराची में बाहर हैं वो ठीक आवाज़ करेंगे। और मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि यार ऑनलाइन क्लास में ना तादाद कम हो या ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क तो असल में इस चीज़ से पड़ता है कि आप अपने अपने घर पे होते हैं। मैं भी जब अपने घर पे होता हूँ ना, मेरा दिल करता है लेट जाऊँ तो फिर आप ना बिल्कुल एंड मोमेंट पे आप उठते हैं, यदि चले जी जल्दी से मुँह पर पानी मारो और आप फिर बैठे ऑनलाइन क्लास के लिए, तो बस वो आप देखते रहे होते हैं, लेकिन वो आप एक्चुअल में ना प्रेजेंट होते ही नहीं ज़्यादातर केसेज में बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तो बड़ा फॉर्मली तमाम करते हैं ऑनलाइन क्लास लेने का, लेकिन ज़्यादातर केसेज में ये होता है कि जी वो साथ साथ वो कॉफ़ी भी बना रहे हैं, और वो कभी माइक खुला रह जाता है तो सारी पूरी पट्टी खुल जाती है क्या हो रहा है पीछे, तो वो खाना भी अम्मी ला के दे देती हैं, बेटा खाना भी खा दो, अम्मी अम्मी तो है बैठा हुआ बच्चा है, चलो खाना दे दो उसको, अभी भी उठा है, अम्मी खाना ला के देती हैं, खाना भी चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, कुछ भी नहीं होगा। और उस पर से अगर थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाए हम, तो वो कभी आप दोस्त के साथ जा रहे होते हैं कहीं, तो मोटरसाइकिल पे आपने ना 4G पे बस वो ऑन किया और आप उधर प्रेजेंट दिख रहे होते हैं, लेकिन असल में आप बाइक में घूम रहे होते हैं। इस तरह की जो मामला है ना, वो हमारे ये हमारा असल में कसूर है,
हम यानी हम एज ऑडियंस जो है ना, हम पाकिस्तानी लोगों में थोड़ा सा ये है कि इसको कहते हैं वर्क एथिक्स कह लो उसको, या ये एथिक्स का मसला है हमारे, हम हमारे लिए घूमना फिरना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए भी, मैं भी इस वर्क में शामिल होता हूँ ऑडियंस, मेरे लिए भी ना समटाइम घूमना फिरना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर चार दोस्त जा रहे हैं ना निहारी खाने तो मैं क्यों पीछे रहूँगा यार, मैं उनको ज्वाइन करूँ सही है, या कोई पता चल गया कि यार फला दो मंडी जा रहे हैं जानवर खाने तो मैं क्यों पीछे रहूँगा यार, मैं भी जाऊँगा साथ रिगार्डलेस कि मेरी क्लास ऑनलाइन या कुछ जो भी है। तो ये वाला थोड़ा सा ना वर्क एथिक्स का इशू है हमारे साथ, जिसकी वजह से, और ये पूरी दुनिया में भी हो गया, ये कोविड में हमने देखा सब जगह यही हुआ, लोग मीम्स बना रहे हैं इसके ऊपर कि वर्क फ्रॉम होम सारा मजाक बन गया, कोई प्रोडक्टिविटी जीरो हो गई। तो बेहतर ये है कि अगर ऑनलाइन क्लास की फैसिलिटी आपके पास मौजूद है ना तो आप ऑनलाइन आए। और दूसरी बात कि जी यहाँ पे आप देखिए ना इतना अच्छा एनवायरमेंट बनाया है सरानी ने, यहाँ पे ए सी वैसी भी लगा दिया है, ऐसा ना ए सी में आओ ना एकदम मूड अच्छा हो जाता है मेरा, बात गर्मी में ना सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ चढ़ के, या वैसे कभी मैं वैसे भी कहीं निकलता हूँ घर जाता हूँ ना जब, तो ए सी के आगे खड़ा हो जाता ना ऐसे मूड एकदम अच्छा हो जाता है। तो भाई मूड अच्छा करके आप बैठ के आराम से करो। ऑन अदर एंड अगर देखो हमारे पास जो इंस्टीट्यूशन हैं जो कराची में, मैं तकरीबन जितने भी इंस्टीट्यूट हैं कराची में सब में ही जाने का मौका मिला है, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई कॉलेज हो, चाहे वो बहुत सारे स्कूल्स में भी जाने का मौका मिला है डिफरेंट रीजंस के तहत, तो कहीं पे भी मुझे ना इतना अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिला। इवन दो वो यूनिवर्सिटीज जो दो दो लाख रुपए सेमेस्टर के चार्ज कर रही है, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, वो आप लोगों को पता है कि कौन कितने चार्ज कर रहे हैं, तो वहाँ पर ना इतना अच्छा एनवायरमेंट नहीं। तो और फिर यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में ना वो सोच भी नहीं सकते कि जी ऐसा कभी होगा। मिसाल के तौर पे वाईफाई होना ना किसी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी बात है, नहीं होता किसी भी यूनिवर्सिटी में, और होता भी है तो वो इतना लिमिटेड उसको करके रखते हैं, वो इतना सस्ते वाला उन्होंने वो लगाया होता है ना इक्विपमेंट कि वो चल के नहीं देता। यहाँ पे मैं खुद पर्सनली मैंने क्योंकि विजिट किया मैं सारा ऊपर जो चल रहा है नेटवर्किंग का, अब ये इतने सारे लोग वाईफाई पे कनेक्ट है लेकिन आपको फील नहीं होगा कि कुछ इसमें प्रॉब्लम है या कुछ स्लो हुआ है या कुछ, वो आपके पास भी 20-25 एमबी की स्पीड तो आ रही होगी हर बंदे के पास। तो क्या कहते हैं यहाँ पे ना वो जो एक एपी लगा एपी होता है जो ज़्यादा वाईफाई के कनेक्ट करने के लिए एपी का इस्तेमाल होता है, राउटर का इस्तेमाल नहीं होता। एक एक एपी 70,000 का, आज से 3 साल पहले 70,000 का था, अब तो डॉलर बढ़ा है पता नहीं 1.5-1.5 लाख का होगा, तो इतना सा होता है लगेगा आपको कहीं कहीं पीछे लगा होगा, ये आप इसको गूगल करेंगे ना ये 70-80 हज़ार का था इससे 3 साल पहले जब मैंने गूगल किया, अभी बढ़ गया होगा डॉलर के रेट बढ़े हैं। तो ये काफ़ी महंगा इक्विपमेंट यहाँ पे लगाया गया जो बेस्ट पॉसिबल था ना वो यहाँ पे लगा दिया। अब आपका काम क्या है कि इस इक्विपमेंट को आप कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं और कितनी प्रोडक्टिविटी आप सामने से देते हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है कि शायद आपसे कुछ प्रोसेसिंग फीस वगैरह उन्होंने थोड़ी बहुत ली होगी मेरी, अदरवाइज ये कोई और फीस नहीं होती। तो क्या कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है तो यार आप बस यूटिलाइज करें आप उसको। अदरवाइज जो ऑनलाइन क्लास है वो तो सर बहुत सारे लोग यूट्यूब देख लें, आप ऑनलाइन क्लास को फिर मकसद नहीं है उसका। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप यहाँ पे आके ना ऑन साइट आके आप पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एआई। ये मतलब पॉइंट्स बनेगा ना तो सीक्वेंस से बात चलती है, वरना मेरी आदत है मैं बात करते करते कहीं और चले जाऊँ, बात से बात नहीं चलती है यार, बातें नहीं आती है, बात करने में मजा आता है। तो व्हाट इज, पहले तो कहानी एआई से शुरू होती है ना, जनरेटिव एआई लिखा होता था उसके टाइटल में। तो एआई इटसेल्फ क्या चीज है, बहुत सारे क्योंकि ये बज वर्ड है ना, एआई इज नॉट अ बज वर्ड, एक ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर हाई डेंसिटी आ रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है इस वर्ड में, हर कोई एआई लिख के सर्च कर रहा है इंटरनेट पर, क्योंकि चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो कोई आम बंदा हो, चाहे वो कोई कोई डेवलपर हो, या चाहे वो कोई दुकान वाला हो, सब लोग ना एआई को सर्च कर रहे हैं, एआई बस वर्ड है। अच्छा, और एआई में कुछ ऐसे हमने वो भी दे दिए हैं करिश्मे कि जी ये तो बिल्कुल जादू है, जैसे चैट जीपीटी उसकी ताज़ा मिसाल, ऐसा लगता है यार जादू चल रहा है ये तो बिल्कुल। तो मैं आपके ये भी कॉन्सेप्ट आज कोशिश करूंगा सही करने की कि जी एआई क्या, लेकिन आप में से कोई पहले जरा अपना ओपिनियन दे, ताकि मैं चाह रहा हूँ ना टू वे हो, आप थोड़ा बोलना शुरू करें ताकि थोड़ा कम्फर्टेबल हो।
तो जरा बताइए मुझे यार, क्या लगता है आपको AI से क्या मुराद है? या AI जब सुनते हैं तो क्या सहन में बात आती है? सर, AI artificial intelligence. Artificial means any object can make machine. And intelligence means एक इंसान का बनाया हुआ सिस्टम, ब्रेन सिस्टम. Artificial intelligence जो सोचने की सलाहियत है. बिल्कुल दोस्त ने सही बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मसनू जहाना पे कोई इंसान ने कोई बना दिया था, या कोई नेचुरली गॉड मेड नहीं थी वो, इंसानों ने बनाई है मसनू जहाना. अच्छा, और कोई बताना चाहे, मजीद ऐड करना चाहे, ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस को ट्रांसफर कर दे किसी मशीन के अंदर, तो वो मशीन इंटेलिजेंट हो गई तो AI. और कोई बताया जरा, ह्यूमन की तरह रिस्पॉन्स करे सर, जो भी रिजल्ट जनरेट करें वो कंडीशन बेस्ड हो. फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पर अगर एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो कैसे मुझे स्टार्ट होते हैं? बिल्कुल ठीक, कि AI मसनू जहानत है तो कुछ समझदारी की बात भी तो करें ना वो, कि जी जैसे ही टेम्परेचर ऊपर नीचे हो तो AC ऑन ऑफ खुद करें, समझदारी की भी बात हो उसके अंदर. अच्छा, बिल्कुल सब लोगों ने सही बताया. मैं लेकिन आपको अपना बताता हूँ कि इसका एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के परस्पेक्टिव से, एक उस बंदे के परस्पेक्टिव से जो AI बना रहा होता है, उस बंदे के परस्पेक्टिव से, ठीक है, ये जो आपने बात बताई है ये एक आम आदमी के परस्पेक्टिव से बात हुई है या ये एक जर्नलिस्ट के परस्पेक्टिव से, है ना? एक होता है जर्नलिस्ट, एक होता है स्पेशलिस्ट. जर्नलिस्ट साफियों को वैसे जर्नलिस्ट कहते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट का मतलब ये होता है कि वो बंदा जिसको जनरल जनरल बात सारी पता हो, हर चीज़ का ना जनरल लेवल का और सरफेस लेवल की नॉलेज हो. आप देखिए, साफी किसी को बिठा के इंटरव्यू करता है, चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई वो पुलिस वाला हो, चाहे कोई वो क्रिमिनल हो, कोई हर तरह के बंदे से वो बात कर लेता है, स्टॉक मार्केट वाले से भी बात कर लेता है. क्यों? उसको जनरल नॉलेज हर चीज़ की, जर्नलिस्ट उसको इसके लिए. अच्छा, मेरे जैसा बंदा जो है वो स्पेशलिस्ट है, यदि AI का स्पेशलिस्ट, जनरल लेवल की बात तो पता है लेकिन वो हाथ से करना भी आता होगा. साफी जो जर्नलिस्ट होगा वो सिर्फ बातें करना आती है उसको, हाथ से उसको काम नहीं करना, शोभा नहीं है उसका. अच्छा, तो स्पेशलिस्ट के नजर में AI क्या चाहिए, क्या बनाएंगे? AI जो है, जैसा कि जिक्र हुआ मसनू जहानत, आज से कुछ अर्से पहले तक जब AI मौजूद नहीं थी, उस वक्त अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना हो, ठीक है जी, जो पहचान कर सके कि जी ये मेल है या एक फीमेल है, ठीक है, लड़का या लड़की, इसमें फर्क कर सके, ये देख के बता दे लड़का या लड़की, उसकी फोटो को देख के बता. तो आज AI से पहले जब मुझे ये काम करना होता था तो मैं कैसे करता था कि जी वो कुछ पिक्सल उसके उठाता, पिक्सल उठा के उसका मैं इफ एल्स लगाता कि जी इफ अगर इतने इतने पिक्सल पे जब ब्लैक ज्यादा है, यानी बाल वाले, बाल को डिटेक्ट करने की कोशिश करता कुछ में. अच्छा, और यह मैं इस तरह की कोई और चीज लगाता, इफ एल्स करके उसको करता. अच्छा, मगर AI के आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं बहुत सारी फोटो लड़के की दूंगा उसको, लेबलिंग करके कि जी ये लड़के की फोटो है सर, एक कंप्यूटर को दूंगा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम को दूंगा, और बहुत सारी फोटो मैं उसको लड़की की दूंगा और कहूँगा जी ये लड़की है. और अब उसको मैं बोलूँगा कि जी अब आप ना इसको याद करो, इससे अपने आप को ट्रेन करो. ये AI है आजकल के दौर में. अच्छा, अब वो ट्रेन हो जाएगा, उससे ट्रेनिंग में लेकिन लगता है काफ़ी टाइम और काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं. अच्छा, तो वो रिसोर्सेज सारी लगा के, वो टाइम सारा लगा के मेरे पास एक चीज़ बन के आ जाएगी जिसको हम कहते हैं मॉडल, जिसको हम कहते हैं AI मॉडल. अच्छा, अब वो AI मॉडल जो है ना, वो क्या है? वो वही इफ एल्स है जो मैं AI से पहले लगा, लेकिन ये वाला इफ एल्स मैंने नहीं लिखा है, ये एक कंप्यूटर ने ही लिखा है, ठीक है, एक कंप्यूटर के फ्रेमवर्क ने लिखा है, कंप्यूटर का फ्रेमवर्क था जिसको मैंने सारी फोटो दी थी, उसने सोच के लिखा है कि किधर इफ एल्स लगाऊंगा तो ये पकड़ में आएगा. तो है वही इफ एल्स, लेकिन वो मैंने नहीं लिखा, ठीक है. कुछ लोगों को शायद लगता है कि वो इफ एल्स बिल्कुल ही कोई अलग होता था, ये तो AI में तो जादू हो रहा है, जादू नहीं हो रहा है, ये वही इफ एल्स है, लेकिन लगाया उसको कंप्यूटर ने और वो सारा डेटा वो मॉडल में मौजूद है. यही वजह है कि क्योंकि वो कंप्यूटर ने लिखा है इफ एल्स, वो ज़्यादा एफिशिएंट भी होता है. जो चीज़ AI के जरिए डिटेक्ट हो रही होती है वो ज़्यादा एफिशिएंसी होती है. अगर वो मैंने हाथ से ही फेल्स लिखा हो तो वो कम एफिशिएंट होती है, ठीक है. जो मेरे हाथ से लिखा हुआ कोड है वो स्लो होगा, AI से जो लिखा हुआ कोड है, यानी जो मॉडल जो ट्रेन हुआ है वो फास्ट होता है, वो तेज चलता है.
क्योंकि कंप्यूटर उसको कई दफा घुमा घुमा के ना घुमा घुमा के वो ऐसी जगह पे लगाता है ये सेल्स कि वो जल्दी पकड़ में आता है। अच्छा क्यों, ये ह्यूमनली पॉसिबल तो है नहीं है। कंप्यूटर तो उसकी प्रोसेसिंग पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक ह्यूमन अगर वो कैलकुलेट हाथ से करने बैठे ना तो वो उसको पता नहीं 100 ईयर्स लग जाएंगे उसको कैलकुलेट करते जो कंप्यूटर यूँ करता है छुटकियों में, है ना। हम जैसे कहते हैं वो गीगाहर्ट्ज़ में, गीगाहर्ट्ज़ तो नहीं, अब तो खैर टेराहर्ट्ज़ की बात हो रही है, तो वो गीगाहर्ट्ज़ का मतलब होता है कि वो तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। 1 हर्ट्ज़ को आप फिर वो किलो में कन्वर्ट करें, फिर आप मेगाहर्ट्ज़ में, फिर आप गीगाहर्ट्ज़ में, फिर आप टेराहर्ट्ज़ में, तो वो इतने ज़्यादा साइकिल होते हैं एक सेकंड में कि आप सोच से भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा तो ये हमने एक जनरल पर्सपेक्टिव देखा एआई का, एक स्पेशलिस्ट की नज़र में जो है वो क्या जनरल पर्सपेक्टिव, ये मैंने बहुत मोटी मोटी बात की, कोई ज़्यादा टेक्निकल बात है मैंने नहीं। अच्छा अब ये वाली जो एआई है ना ये हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। हम इस कोर्स में पाइथन नहीं पढ़ेंगे, ये सारा पाइथन वगैरह, पाइथन इसके लिए एक रिकमेंडेड लैंग्वेज है, वो तो ये किसी को भी जाता है। एआई की जो ये मॉडल ट्रेनिंग वगैरह ये और भी दूसरी लैंग्वेजेस पे हो जाती है, लेकिन इसके लिए रिकमेंडेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पाइथन है। अच्छा तो हम ये ट्रेनिंग वगैरह ये सब यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे, ना हम मॉडल ट्रेन करेंगे ना हम पाइथन पढ़ेंगे। अच्छा क्या करेंगे हम, फिर हम ये करेंगे क्योंकि देखें इसमें लगती है रिसोर्सेज। आप देखें ना एक ह्यूमन को चीज़ सीखने में कितना टाइम लगता है, ह्यूमन जो है इस प्लेनेट अर्थ का इसको स्टेटिक छोड़ देना, इसको बस एक एक जगह फिक्स कर देना, बस है तो थोड़ा इसको पीछे वाले उसको क्योंकि बैस रहा हो तो भी डिस्टर्ब हो रहा है, बस ऐसी जगह लगा दो कि ये थोड़ा क्या बोल रहा था भैया, दूसरे साल में जाके बोलता है, जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसके बाद शायद 2 साल में उसका अपना बोलना नहीं होता है, थोड़ा सा जो वीक होता है वो शायद 2.5 साल भी लगा देता है। अच्छा लेकिन वो 2 साल में या 2.5 साल में भी पूरी बात नहीं करता, जैसे मैं हेलो हाय कहानी चलती है जो उसको चाहिए होता है वही पता होता है। अच्छा और वो उस पॉइंट पे आके भी ज़्यादातर बातें होके समझा सकते हैं, अच्छा ज़्यादातर बातें उस वक्त भी होके समझा सकते हैं 2 साल बाद। अब वो 2 साल तक कंटिन्यूसली ना वो उसकी लिसनिंग से सीखता है, वो जो बोलता है लोगों को सुनता है वो सुनने की वजह से वो लर्निंग करता है। अच्छा और इसी से इंस्पायर होते वो कंप्यूटर वाली भी तैयारी वाली 2 साल कंटिन्यूस लर्निंग के बाद आप देखें एक दिन में 24 घंटे होते हैं बंदा सोते हुए भी सुन रहा होता है, मतलब 24 घंटे काउंट करवा रहा हूँ ना, जो दिन में 24 घंटे वो सुन रहा है, सोते हुए भी इंसान सुनता है। सब लोग एग्री करेंगे इस बात से, कैसे सुनता है जलने की वो आएगा तो बात मिल जाती है, बंदे कान बंद हो जाते हैं अगर तो किसी के नॉक करने से बंदा कैसे उठता है, नॉक करने से बंदा उठ रहा है मतलब कान खुले हैं यार सुन रहे, तो बंदे के जो सब माइंड के दो पार्ट होते हैं, एक सब कॉन्शियस होते हैं एक कॉन्शियस माइंड आपका सो रहा होता है, लेकिन जो सब कॉन्शियस है ना जो 90% जो माइंड होता है आपका जो ब्रेन होता है वो सब कॉन्शियस होता है, तो वो सुन रहा होता है चीज़ों को और प्रोसेस भी कर रहा होता है, और जब वो उसको नॉक की आवाज़ आती है ना तो सब कॉन्शियस उसको सुन के उसको प्रोसेस करता है कि कोई आया है, तो उठाता है कॉन्शियस माइंड को वो अवेक करता है, तो इससे हमें पता चलता है कि बंदा सुनते हुए सुनता रहा, तो 24 घंटे वो बच्चे की ना लिसनिंग चल रही है, सुन रहा है कुछ ना सुन रहा है, और 2 साल कंटिन्यूस आप लगाए कितने बनेंगे कैलकुलेट करें, कई 1000 घंटे बनेंगे, और उठने के बाद जाके वो हेलो हाई कंडीशन में आते हैं, हेलो हाई बोलने की काबिल होते हैं, तो एक इंसान को इतना टाइम लग रहा है, मशीन को भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। अच्छा तो 4-5 हज़ार घंटे की ट्रेनिंग एक मशीन को भी चाहिए। अच्छा उसमें लगती है प्रोसेसिंग पावर, उसमें लगती है, अच्छा फिर वो क्या होता है कि वो ट्रेनिंग हुई एक दफा और फिर वो मॉडल सही ट्रेन नहीं, उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करना होता है तो दोबारा ट्रेनिंग चलानी होगी, तो कई साइकिल में जाके वो मॉडल हमारा जो है फाइन ट्यून होता है अच्छे से और वो अच्छे से काम होता है, ठीक
होती है और आमतौर पर जो ए आई के मॉडल ट्रेन होते हैं उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो 60%, 65%, 70, 75 बेस्ट केसेस में होती है, इससे ज़्यादा एक्यूरेसी में आमतौर पर नहीं है। बहुत कम मॉडल ऐसे हैं शायद गिनती के कोई एक दो मॉडल ऐसे होंगे जो 90% तक की एक्यूरेसी पर जाते हैं, इससे नीचे नीचे ही रहती है आमतौर। तो इतनी रिसोर्सेज तो है नहीं कंपनीज के पास। तो अब इस पॉइंट पे आगाज होता है एक ऐसी एआई का जिसको हम कहते हैं एआई एज अ सर्विस। एआई एज अ सर्विस क्या है कि जी एआई किसी कंपनी ना बड़ी कंपनी है पहले से एक मॉडल को ट्रेन करती है, पहले से मॉडल ट्रेन कर दिया ठीक है वो तो हो गई ट्रेनिंग उसकी, हमें वो दे देता है कि जी ये लो आप इस्तेमाल करो और हमसे वो पैसे चार्ज करता है थोड़े से शुरू में फ्री भी देता है डेमो। जैसे गूगल जैसी कंपनी है बड़ी कंपनी उनको फर्क नहीं पड़ता, तो $300-400 फ्री क्रेडिट देती है, जाओ यूज करो जब मजा आए तो फिर और पैसे देना। तो वो आपको चेक कराने के लिए ना डेवलपर्स को और क्लाइंट्स को वो आपको फ्री क्रेडिट देते हैं $300 क्योंकि आपने चेक करें। तो इस तरह की जो ए आई है इसको हम कहते हैं ए आई एज अ सर्विस। हम इसमें हमारा बेनिफिट क्या होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है जी कि जो हमने ट्रेनिंग पे जो कॉस्ट लगानी है वो हमारी बजट की। अच्छा तो ट्रेनिंग पे अगर मैंने लगाना है $40,000-50,000 का खर्चा अगर है उसके ऊपर, और इतना होता है अगर आपका डेटा सेट बड़ा है और आपको अच्छी एक्यूरेसी चाहिए और अच्छा डेवलपर आप कोई हायर करते हैं तो वो $40,000-50,000 उधर उधर, क्योंकि अगर कम से कम चार लोग भी अगर आपने लगाए हैं अलग अलग या उसके कॉम्पिटिशन भी होते हैं आमतौर पर ना ये वाला काम अब इतना महंगा हो गया कि इसके कॉम्पिटिशन करवाते हैं वो बंदों को डायरेक्ट काम देने ही बंद कर दिया। तो कुछ प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन वो कहते हैं कि ये डेटा सेट है इसको करो ट्रेन शुरू हो जाता है, तो सारे शुरू होते हैं कोई ये वो कहते हैं जी अगर किसी ने ना 70% अचीव कर लिया तो वो मिला, 70% अचीव करके वो सबमिट करता है उसको वो प्राइज नहीं मिल जाता। तो वो कंपटीशन वाली तरह से जो ना अभी आ गया। अच्छा मगर वो हर डेवलपर को कर नहीं पाता, वो हर डेवलपर इसलिए नहीं कर पाता कि डेटा सेट आमतौर पर बहुत बड़ा होता है और वो एक बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं, वो घर पे इतनी बड़ी मशीन को लेकर आना और सेटअप करना उसकी इलेक्ट्रिसिटी फिर उसकी मेंटेनेंस फिर वो बहुत सारे मशीन जो कि ना एक हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं। अच्छा तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेंड बिल्कुल जीरो की तरफ जाता है और ए आई अगर सर्विस क्योंकि ये तकरीबन 10 सालों से चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज ए आई के मॉडल ट्रेन करवा रही है डेवलपर्स को बैठा, वो इतने सारे मॉडल ट्रेन हो गया वो होगा क्या, वो खुद तो इस्तेमाल कर रही है कंपनी, अब वो कहती है कि जी आप उसको इतने पैसे लगाए हैं इसको बेचेंगे वो, तो कुछ पैसे लेके ना 20 सेंट 5 सेंट में पर ए आई कॉल आप अपने रिक्वेस्ट बेचते हैं वो सामने से उसको एनालाइज करके वापस। अच्छा ए आई एज अ सर्विस की जो सबसे बड़ी मिसाल है गूगल स्पीच ए पी आई। गूगल स्पीच ए पी आई क्या करती है कि आप उसको ऑडियो भेजते हैं वो आपको टेक्स्ट उसका भेज देती है वापस। गूगल की ट्रांसलेट ए पी आई आप उसको इंग्लिश में लिख के भेजते हैं वो सामने से आपको दूसरी जुबान में कन्वर्ट करके भेज दो। गूगल विजन ए पी आई जिसमें आप क्या एक फ़ोटो भेजते हैं उस फोटो को वो एनालाइज करके भेज देता है सामने से कि जी इस फोटो में एक तोता बैठा हुआ है उसका कलर रेड है उसके नीचे जो है वो ट्रीज हैं क्योंकि जी तोते का साइज़ क्या है तोते की ब्रीड कौन सी है ईच एंड एवरीथिंग जो आप सोच सकते हैं ना वो उस ऑब्जेक्ट में आपको देता है। ठीक है मिसाल के तौर पर रिसेंटली एक प्रोजेक्ट करने का मौका मिला था तो उसमें जी जो एप्लीकेशन की जो 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 क्लाइंट था उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि जी वो कार खरीदता था पुरानी टूटी हुई रैकेज खरीदता था कारों को। अच्छा तो अब वो उसको चाहिए एक एआई सिस्टम कि जी उसको ना कार की चारों साइड से एक एक फ़ोटो दे देगा, चारों साइड से एक एक फ़ोटो हाई क्वालिटी में खींच के भेजेगा सर्टेन क्वालिटी में खींच के भेजेगा। उसको ये पता लगाना है कि जी ये गाड़ी का मॉडल कौन सा है और ये गाड़ी कहाँ कहाँ से डैमेज है, फ्रंट से डैमेज है कितने परसेंट डैमेज है, फ्रंट वाली फोटो में कितने परसेंट डैमेज आ रहा है बैक वाली फोटो में, क्योंकि वो आसान है बिल्कुल मैं वो चारों फोटो एक एक करके भेजूंगा गूगल विजन पे और वहाँ से ये वो बता देगा मुझे कि कितने परसेंट के डैमेज है और मेरा काम हो गया। ये 15 दिन में वो एप्लीकेशन तैयार होगी डिलीवर भी होगी। तो एक एंड यूजर एप्लीकेशन बनाना आपके लिए नहायत आसान हो जाता है ए आई एज अ सर्विस को यूज़ करके। और अगर एंड अगर मैं ये मॉडल ट्रेन करने बैठ जाता तो मैं डेटा कहाँ से लाता हूँ, डेटा मैं इतनी सारी फोटो कहाँ से लाता कारों की, किसी जो मॉडल भी पकड़ ले उसका वो नंबर प्लेट भी उसकी पकड़ ले और वो नंबर प्लेट को उठा के फिर नंबर प्लेट क्योंकि मुझे बता दी गूगल विजन में तो वो नंबर प्लेट को मैं गवर्नमेंट की एक साइट है उस पर भेजता था
वहाँ से पता लगाना था कि ये इसकी क्या डिटेल है, कब खरीदी गई है, कितने माइलेज, कितने अर्से चल गई है, उस तरह की डिटेल पता चल जाए। फिर उस नंबर से मुझे उस गाड़ी का मॉडल नंबर भी पता चल जाए, प्लेट नंबर से, इस गाड़ी का मॉडल कौन सा है, मॉडल मेक एयर, तीनों चीज़ें पता चल जाए। तो उस मॉडल से एक और सर्विस प्रोवाइडर है जिससे हम पूछते थे कि ये इस मॉडल के अंदर ना पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो वो जितने भी 2500-3000 पार्ट होते हैं गाड़ी में आमतौर पर, वो सारे पार्ट्स की लिस्ट देते हैं और इस मार्किंग के साथ कि ये पार्ट्स गाड़ी में कहाँ रहते हैं। तो पैकेज को देख के क्योंकि फ्रंट से डैमेज है या बैक से डैमेज है, हम ये अंदाजा लगाते हैं कि इन 2500 पार्ट में से कौन कौन से अब टूट चुके होंगे या कौन कौन से बचे हुए होंगे, और उस बेसिस पे ये अंदाजा लगाया जाता था कि जी इस कार को खरीदेंगे ना अगर, तो उसमें से कौन कौन से पार्ट यूजेबल हैं, उनके पैसे कितने हैं, पुराने मार्केट में बिकेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई गाड़ी बैक से डैमेज है, उसका मतलब फ्रंट में इंजन विंजन सारा LCD रेडियो स्टेयरिंग गेयरबॉक्स सब ओके रखो, तो वो सारे मेरे पास 2500 की लिस्ट है, साथ में पैसे भी आए हैं, कैलकुलेट मारो बनाऊंगा यार कि $10,000 की बिक जाएगी पुराने पुराने पार्ट्स, तो वो उसका 30% माइनस करके उसको पैसे बना कितना है। ये काम वो मैनुअली कर रहे हैं, इसको ऑटोमेट कर लीजिए। 15-20 दिन में महीने में ये सिस्टम ऐसा तैयार हो गया कि वो ये कैलकुलेट कर लिया उसने इस तरह से। बाकी फिर वो वेब एप्लीकेशन है, फिर वो पेमेंट वेमेंट वो सारा, वो तो लंबी खानी हो, आपको पता है वेबसाइट जब बनना शुरू होती है तो ख़त्म कभी भी नहीं होती, वो बनती ही रहती है, उसमें कुछ ना कुछ ऐड, कुछ ना कुछ रिमूव होता रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, तो ख़त्म तो खैर कभी भी नहीं होती। लेकिन ये है कि महीने भर में ये बेसिक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जिसको हम करते हैं वो बन के तैयार। तो AI एज अ सर्विस के आने की वजह से हमें क्या हो गया, टाइम बच गया, पैसा बच गया, और एंड यूज़र जो एप्लीकेशन है जिसको हम यूजर एप्लीकेशन कह सकते हैं, वो बनाना हमारे लिए बड़ा इजी है। तो इस क्लास में हम एंड यूजर एप्लीकेशन बनाना सीखते हैं। जो AI की जो क्लास होती है ना मॉडल ट्रेनिंग वाली, उसमें क्या होता है, उसमें डेटा सेट होता है, ट्रेनिंग होती है, और आखिर में एक नंबर आता है, 0 से लेकर 1 के दरमियान पे एक नंबर आता है। तो उस स्क्रीन पे ना वो क्लास खत्म हो जाती है, AI की जो क्लास है। आपको 3 साल 4 साल लगते हैं आपको वो सीखने में, वो एक नंबर आता है फिर आखिर में जी वो 0.5 का मतलब 50% एक्यूरेसी, तो वहाँ खत्म हो जाती है। हमारा जो हमारी जो ये वाली क्लास है ना वो उस स्क्रीन से शुरू होगी, यदि 0.5, अच्छा वो 0.5 गूगल ने बताया यदि हमारा जो विजन है कि वो इतने परसेंट एक्यूरेसी है, वहाँ से हमारी एप्लीकेशन शुरू होगी। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इस क्लास में वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, ऐसी वेब एप्लीकेशन जिसमें AI लगी भी होगी और एक एंड यूज़र उसको आके यूटिलाइज करेगा और यूटिलाइज करके उससे कोई ना कोई बेनिफिट हासिल करेगा। अच्छा, अब वो एप्लीकेशन आप हो सकता है किसी कंपनी में जॉब करें यहाँ से जाने के बाद और उसके लिए वो बना रहे हो एप्लीकेशन। अच्छा, हो सकता है कि आप फ्रीलांस काम करें जैसे मैं करता हूँ, मैं फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ, उसके लिए क्लाइंट के लिए बना रहे हो कोई ऐप, आप उससे पैसे चार्ज कर रहे हो, या हो सकता है आप अपनी कोई प्रोडक्ट बना रहे हो वेब एप्लीकेशन जिसमें AI। तो ये 3 सिनेरियो हो सकते हैं सोच सकते। तो अब ये AI समझ आ गई, AI एज अ सर्विस समझ आ गई, और ये बात समझ आ गई कि हम इस क्लास में हम TensorFlow, Python, Giraj, PyTorch, Python का पी भी नहीं पढ़ेंगे हम इस क्लास में। कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो Python जहन में लेकर आया था इस क्लास में AI का नाम, क्योंकि AI का नाम आता तो Python का नाम आता, कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो Python जहन में लेकर आया था। अच्छा, Python का हम पी भी नहीं पढ़ेंगे इस क्लास, ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे JavaScript, क्योंकि एंड यूजर एप्लीकेशन जो सबसे अच्छी बनती है ना खासतौर पर वेब एप्लीकेशन होती है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो जावास्क्रिप्ट हम सबसे जो नई वाली जावास्क्रिप्ट है जिसको हम मॉड्यूल JS कहते हैं, ES6 कह लो या मॉड्यूल JS, वो नया वाला उसके अंदर बिल्कुल बन गया ना, तो हम पढ़ेंगे उसका जो एक्सटेंशन होता है ना, पहले तो जावास्क्रिप्ट की फाइल का होता है .js, इसका होता है .mjs, ठीक है, जो मॉड्यूल JS है नया वाला बिल्कुल। तो ब्राउजर पर सपोर्ट आ गई लेकिन पहले से .js बनी सर्वर पर, तो हम इसमें सर्वर बनाना सीखेंगे, हम इसमें डेटाबेस बनाना सीखेंगे, हम इसमें फ्रंट एंड बनाना सीखेंगे, और उसके अंदर AI एज अ सर्विस को कैसे इंटीग्रेट करना है वो हम मेनली सीखेंगे। अच्छा, तो ये हमें समझ आ गया कि AI एज अ सर्विस हम चला रहे हैं। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो पाइथन वाले लोग थे? क्वेश्चन
क्वेश्चन सर, आप एआई एज अ सर्विस पे बात कर रहे हैं, वो तो पहले भी जैसे लेट सपोज जावा है, जावा के लाइब्रेरीज हम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर हम उसको बनाने बैठेंगे हम सदियाँ लग जाएंगे बनाने के लिए, तो जावा की ऑलरेडी बनी हुई लाइब्रेरी हम उसको अपने कोड में यूज करते हैं और अपना कोड चला देते हैं, वही आप बात कर रहे हैं कि आप एज अ सर्विस लोगों ने बनाई है, आप उससे यूज करो अपना फायदा उठाओगे टाइम उठाओगे, यही आप बात कर रहे हैं। जी जी, लाइब्रेरी जो होती है ना सर वो तो ऑफलाइन होती है, उसको डाउनलोड की ये, लेकिन ए आई वाला सर्विस आमतौर पर क्या होता है कि आप अपना डेटा भेजते हैं अंदर, जैसे फोटो रिवाइज करनी है ना तो वो मॉडल हमें नहीं देता, भाई गूगल ने अगर मॉडल ही मुझे दे दिया तो मसला तो खत्म हो गया, गूगल से मेरा काम क्या है, गूगल वो मॉडल अपने पास रखता है, मैं फोटो भेजता हूँ गूगल के पास, उसको गूगल अपनी मशीन में रन करता है उस एनालिसिस को, अपनी मशीन के ऊपर उस मॉडल से ना प्रेडिक्शन करता है और फिर वो मुझे जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो ये फर्क है एक लाइब्रेरी में, उसमें ये बगैर इंटरनेट के काम नहीं करें, लाइब्रेरी जो होती है वो तो लोकली डाउनलोड हो जाती है, तो लाइब्रेरी से फर्क है। और कौन पूछा था क्या छोटी मोटी है और भी चीजें चली थी, चैटबॉट एक बड़ा महल है, चैटबॉट के अंदर बहुत कुछ आता है, अभी वो हम आगे डिस्कस करते हैं, इसके बाद अभी चैटबॉट के ऊपर आते हैं, अभी थोड़ा सरफेस लेवल पे हमें आहिस्ता आहिस्ता इसको डीप डाइव करते हैं। अच्छा, ए आई अगर सर्विस में एक बेनिफिट और होता है, क्योंकि वो ए आई गूगल में ट्रेन किया और गूगल के पास ही वो रखा हुआ है, तो गूगल जो है ना वो हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठता, या कोई भी कंपनी जो भी है, जैसे हम ए डब्ल्यू एस की भी एक विजन ए पी आई है, जो एज़्योर वालों की भी है स्पीच ए पी आई और विजन ए पी आई सारी, वो उसको कंटिन्यूसली ना इम्प्रूव कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर उनकी अगर उनका अगर ए आई का मॉडल 60% एक्यूरेसी में, तो वो कोशिश करते हैं ना कि आज से 6 महीने बाद ना वो 60.5 हो जाए या 60.1 हो जाए, तो वो पुराने मॉडल को नए से रिप्लेस करते हैं, वो हर 6 महीने पे हर 3 महीने पे उनका वो नया वर्जन आता है, उसी सेम एआई का नया वर्जन, ठीक है, V2, V3, V4 ऐसे करके वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव होता है, जो हमारे लिए मैंने छोटी कंपनी से ट्रेन कर भी लिया ना मॉडल, तो उसको इम्प्रूव करने के पैसे काउंट होते हैं। जैसे बंदे ने लिखा कराची सिटी का नाम लिखा, तो हम उस कराची को उठा के भेजते हैं एक सर्वर पर, वहाँ से हमें वो वेदर का वो ऑब्जेक्ट भेज देता है, सेम इसी तरह हम गूगल विजन की एपीआई हम यूज करेंगे और सेम इसी तरह होगा जी। और किसी का कोई क्वेश्चन सर, ये अभी जो चैटबॉट है, यही चैटबॉट सर का चैट जीपीटी सर, इसकी भी तो अपनी एपीआई वगैरह है, तो इसे भी तो के लिए इस तरह फ्रंट एंड एप्लीकेशन में कुछ नहीं काम कर सर, ये पॉपुलर है, मतलब एक चैटबॉट चेक कर सकते हैं, तो चैट जीपीटी सर का सर रिस्पॉन्सिबल है जी बिल्कुल। चैट जीपीटी की जो एपीआई था वो हमारे कोर्स में शामिल है, चैट जीपीटी भी जो लोग है बना हुआ किया है, हमने तो नहीं बनाया, पहले से बना हुआ, और उन्होंने वो पब्लिक एक इंटरफेस में बना के दे दिया, लेकिन चैट जीपीटी उससे बहुत ज़्यादा कुछ है, लोगों को भी समझ नहीं आया, अभी तो अभी ये आया है जर्नलिस्ट के हाथ में, चैट जीपीटी ना अभी आया है जर्नलिस्ट के हाथ में, तो उन्होंने जर्नल ओवरव्यू देना शुरू कर दिया, लेकिन स्पेशलिस्ट ना अभी इसको डिस्कवर कर रहे हैं और उसको सीख रहे हैं। अच्छा, स्पेशलिस्ट के बाद अभी ये टाइम नहीं है कि वहाँ के किसी को बताया नहीं है, स्पेशलिस्ट अभी सब चुका के अपना काम करता है, क्योंकि उसमें मार्केट कैप्चर करनी है मेहनत, तो ये आज से ना 2 साल या 3 साल बाद ना स्पेशलिस्ट जब आएंगे ना मैदान में पॉडकास्ट वगैरह में डिफरेंट जगहों पर, तो वो बताएंगे कि ये है कह सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस क्लास में हम उससे पहले ये कवर कर लीजिए कि चैट जीपीटी ना सिर्फ वो चैट नहीं है, वो पूरा एक फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर बकायदे एप्लीकेशन बन सकती है, अभी वो हम आगे डिस्कस करते हैं, चैटबॉट पे भी हम आते हैं। और किसी का सवाल जी सर, हम कस्टम चैटबॉट बना सकते हैं, अपने कस्टम ही बनाएंगे कस्टम चैटबॉट, डेटा तो एपीआई से आ रहा है, लेकिन एपीआई पे जो मैंने भेजा है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है डेटा, जो मैंने एपीआई पे भेजा है, जैसे मैं चैटबॉट जो सर्विसेज के बारे में बताते हैं नहीं, हम बनाएंगे
चैट जीपीटी जो है अभी बात करते हैं ना आपसे, जो वो तो अपनी बातें करते हैं, लेकिन हम जो कराएंगे ना वो चैट जीपीटी को हम जब ट्यून करेंगे अपने, तो वो फिर हमारी मर्जी की बात है। हमें मिसाल के तौर पर एक रेस्टोरेंट का हमें चैट बॉट बना, यदि वो पता है रेस्टोरेंट की टाइमिंग वाइमिंग डिश क्या होती है तो वो बना सकते हैं चैट जीपीटी और इजीली। जी सर, आपने बताया कि इसमें प्राइवेसी थोड़ी बढ़ा दी उन्होंने, और कुछ जो ES6 की कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अभी तक प्रॉब्लम नहीं थी वो सब आ गया। ये आप क्या से पहले डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम इस क्लास में ना पाइथन का हम ई नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम अपना मॉडल नहीं बना रहे हैं, हम AI वाला सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वजह से जब अपना मॉडल ट्रेन करते हैं उसके लिए रेकमेंडेड है कि हम पाइथन के लिए, लेकिन हम क्योंकि बने बनाए मॉडल को हम इस्तेमाल करके एंड यूज़र एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो एंड यूज़र एप्लीकेशन जो जावास्क्रिप्ट उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट है। अच्छा, ये मैंने उठाया किसी गूगल विजन पर, तो वो मुझे ना क्योंकि वो जनरलाइज है, वो बहुत ज़्यादा जनरलाइज है, वो इतना ज़्यादा जनरलाइज है कि वो क्योंकि वो लगे ना सालों से उसमें, उतना जनरलाइज ट्रेनिंग करने के लिए ना वो दसों साल से कम से कम, तो क्योंकि वो लगे ना 10-15 साल से गूगल विजन आज थोड़ी है, तो पता नहीं 2007-08 में उन्होंने प्रोड्यूस की थी, वो जब से कंटिन्यूसली उसको लोगों इतना जनरलाइज है कि उसको यही बनाना पड़ता कि करना ही होगा। वो फोटो को देखता है और फोटो में ईच एंड एवरीथिंग जो जो चीज मौजूद है वो सब उस ऑब्जेक्ट में लगा देता है, तो मुझे वो उस ऑब्जेक्ट को मैं एक्सप्लोर करूंगा ना जब, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बात मुझे नजर आ जाएगी कि कितने लोग हुआ, और हर बंदे की भी अगर डिटेल बताएगा मिसाल के तौर पर्सन वन पर उस पूरे क्राउड में, जैसे उसने डेटा किया 30 लोग हैं, 30 लोग में पर्सन वन उसके बाल कैसे हैं, उसके बियर्ड है नहीं है, उसकी ग्लासेस है नहीं, उसने कड़ा कौन सा पहना हुआ है, और इतना जनरल है कि जगह कौन सी है वो प्रिडिक्ट करेगा, इस जगह में जो इक्विपमेंट लगे हुए सारे को डिटेक्ट कर लेगा, तो मुझे जस्ट उसको ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने की वो मैसेज मिसन का वो रिस्पॉन्स देता है। अब उसको कैसे एक्सप्लोर करें क्या करें वो अभी कोर्स में देखेंगे, वो अभी उसकी डिटेल में जाने की, लेकिन वो बता देता है, वो इतना समझदार है, बता देता है स्पेसिफिक वहाँ पर जैसे मेटावर्स है, वेब 3 है, इस तरह ये भी है, मैं समझता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि फ्यूचर इसमें कुछ ऐसे डेवलपमेंट होने जा रही है या फिर इसके एप्लीकेशन है क्या, या जो लोग आप यूज कर रहे हैं इनकी कंजप्शन है मार्केट के अंदर पाकिस्तान की मार्केट की बात कर रहा हूँ। जी ये आप बड़ा अच्छा सवाल है, इसके लिए हम आ जाते हैं
जब तक आपकी जूती का कस्टमर आपसे बात नहीं करे, यहाँ उस वक्त टाइम नहीं है, ठीक है। और इसमें फिर कहते हैं खास कर छड़ी होती है, तो उसका जो टिप है ना वो भी आपसे बात करेगा और जूती का कस्टमर बात करेगा। अच्छा, इससे मैं ये मतलब नहीं ले रहा हूँ उसका, क्योंकि जूती का कस्टमर तक आपसे बात करें, ए सी वगैरह तो आप देखिए बात करना शुरू हो गए। मिसाल के तौर पर मैं अपने घर में बोलता हूँ कि हे गूगल टर्न ऑन माई बेडरूम ए सी, तो उसको ऑन कर देते और उसको वो ऊपर नीचे भी कर देता है। मेरे लिए हमारे पास में इम्प्रूव नहीं हो रही है कि वो ए सी से कैसे बात करेंगे, लेकिन एक नुकसान है। अच्छा, तो ये जब मैंने अभी देखी ना उसको, तो मुझे ये समझ आ गया कि यार ये चैट बॉट और वॉइस एप्लीकेशन जो है इस दौरान टेक ओवर एवरीथिंग। अच्छा, तो बड़ी डिबेट करते थे मेरे दोस्त मुझसे कि यार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये बहुत आगे की पूर्व क्यामत की बात है, अभी थोड़ी आगे इस तरह की बात। तो मैंने कहा नहीं, हमको होगा, और मेरा ये ख्याल था कि शायद 20 साल में होगा। अच्छा, मैंने कहा 20 साल में होगा ना, मुझे अगली बर्ड वाला बेनिफिट मिलेगा, तो मैं और इसको बोल लेता। अच्छा, लेकिन एकदम इतनी तेजी से हुआ ये, पता नहीं कोविड की वजह से तेज हो गया या क्या वजह हुई, क्योंकि कोविड में कह रहे हैं जितनी भी टेक्नोलॉजी थी ना उसको 10x कर दिया उसने, जो मार्केटिंग के जरिए और एडवर्टाइजमेंट के जरिए और प्रोपगेशन के जरिए जो ना चीज अचीव करने की कंपनीज को 10-15 सालों में वो एक महीने में खुद ही ज्यादा कुछ थी, तो मे भी शायद इसमें कोविड का कोई हाथ हो। तो एकदम जो है ना गूगल असिस्टेंट भी एकदम मेच्योर होना शुरू हो गया, एक्सेल भी मेच्योर होना शुरू हो गया, सीरी ने भी उसमें एडवांसमेंट करना शुरू कर दी, एकदम न्यूज आने लगी कि सीरी जब आप जो बोलेंगे ना वट पॉइंट डिवाइस उसको प्रोसेस करेगा, और इस तरह की न्यूज आना शुरू हो। फिर उस जमाने में मुझे चैट बॉट समझाना पड़ता था कि क्या है चैट बॉट, ये बॉक्स होगा कोई क्या होगा, अब समझाना नहीं पड़ता। चैट जीपीटी के आने के बाद, चैट जीपीटी के आया उसमें मदद होती है, एटलीस्ट अब सब लोगों को कुछ तासुर आ गए कि चैट बॉट होगा। अच्छा, वो चैट बॉट सर होगा क्या, अब ये समझाने की जरूरत पड़ती है, चैट बॉट इटसेल्फ क्या है वो समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये इसको देख के मैंने शुरू किया था। और इस पर भाई मेरा ईमान है कि बहुत जल्द ना सिर्फ जूती का दस्तर बल्कि आपके इर्द गिर्द मौजूद जितनी भी चीज़ें, मेबी ये डेस्क, मेबी ये चेयर, मेबी जो यहाँ पे एलसीडीज लगी हुई है, मेबी आपका मोबाइल फोन तो बात कर ही रहे सीरी और गूगल असिस्टेंट की जरूरत, तो ये तमाम चीज़ें आपसे ना कंटिन्यूटली बात करें। अच्छा, तो ये चैट बॉट तो इनएविटेबल है, ये वाइटल है, ये कहीं नहीं जाएगा,
ये तो मार्केट में आई गई है. अच्छा अब सवाल ये है कि क्या अभी इसका स्कोप मौजूद है राइट नाउ? इसका जवाब है हाँ, इसका स्कोप मौजूद है मार्केट में. अच्छा हमारी अगर आप लोकल मार्केट की बात करें जो सॉफ्टवेयर नॉलेज प्लेयर है उसमें भी पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन वो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आप उधर ही जाए. ठीक है, तो लामत बाल का है ना शेर के तू ही नागर चंद गलियों पर तनाव कर रहे हैं वरना जमाने हैं लाज तकली दामा और भी है. वो आप दो रोटी खा के आप कहते हो यार बस यार अल्लाह ने दे दिया तनाव कर दिया, अरे आप बेवकूफ़ हो यार क्यों कर रहे हो अपना, आप थोड़ा इधर पर एक्सप्लोर करो देखो और क्या चल रहा है मार्केट में आपको पता चल जाएगा. वो इलाज तकली दामा की जेब भरने के और भी तरीके हैं, कोई आप आसान तरीका ढूंढो कोई बेहतर तरीका ढूंढो. क्या कहते हैं अपनी जिंदगी में सुकून लाओ अपने घर वालों की जिंदगी में. अच्छा तो आपके पास ना पाकिस्तान के लोकल मार्केट में सबसे बड़ा मसला है, वो मसला ये है कि हमारा सेल्समैन कितना कम है, वो नया काम तो पकड़ना नहीं चाहता. वो चाहता है जो बंदा मैंने हायर कर लिया ना बस इसी का काम करो. इवन वो अभी भी लोग PHP और WordPress का ना आप सुनेंगे मार्केट में बड़ी डिमांड है कराची में. क्यों डिमांड है? वो बंदे को आने रखे हैं जबकि ना वो बंदे नई चीज़ सीखते हैं ना वो सेट में इतना दम है कि वो नई टेक्नोलॉजी वाला बंदा हायर करे. वो कहता है इसी के काम बस जितने आ रहे हैं करो. वो 10-10 साल का एक्सपीरियंस है लोगों का, वो 60,000-70,000 में वो काम कर रहे हैं सारे. अच्छा वो खुद भी अपडेट नहीं होते सेट को भी, वो ऐसे ही चलता है वो टाइम में फ्री हो गए. लेकिन नए जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं उसमें चैटबॉट की जॉब आ रही है. आप फेसबुक पे जाकर सर्च करेंगे चैटबॉट की जॉब आ रही है. नंबर फ्री लांस मार्केट में इस वक्त चैटबॉट की इतनी हाइप लगी हुई है कि मेरे पास अपवर्क की अभी भी राइट नाउ मेरा फोन अभी रिकॉर्डिंग में लगा, मेरे पास कम से कम 6-7 इन्विटेशन आई थी जिसके मेरे को जवाब देने का मौका नहीं. 6-7 अभी इन्विटेशन क्या होती है जो आप किसी ने यूज किया और उनको बताओ, इन्विटेशन ही होता है कि सामने से बंदा मैसेज कर रहा होता है मेरा फोन साइलेंट हो गया. तो वो इन्विटेशन को जवाब देने का टाइम नहीं. अच्छा इससे जो पिछला बैच था हमारे हम बात नहीं है वो एक सेक्शन यहाँ पर पढ़ा भी रहे तो बड़े क्वालिफाइड हैं. तो उन्होंने पिछला जो सेक्शन था उसमें स्टूडेंट थे, अभी उन्होंने एक कंपनी खोली है जो डेडिकेटेडली काम ही चैटबॉट करते हैं. मेरे आधे स्टूडेंट तो उन्होंने हायर कर लिए पिछले सेक्शन के, उससे भी पिछले सेक्शन वाले ये थर्ड बैच होने जा रहा है जो चैटबॉट करते हैं. अच्छा एक और अभी आप मेरे लिंक्डइन पे जाएंगे ना, मैंने शेयर किया था स्टोरी वो स्टूडेंट था पिछले सेक्शन में, अभी 3-4 महीने हुआ खत्म हुआ था पिछला सेक्शन में जब डैश टू में उसने $1,000 कम्प्लीट कर लिया है इसकी महीने में. तो $1,000 को अगर डिवाइड करो 3 महीने में $350 अच्छा तो क्या कहते हैं कितने बनेंगे $1,000 तो बनते हैं अभी के रेट के हिसाब से ऑलमोस्ट 290 चल रहा है अभी. वैसा तो 312 चल रहा है फॉरेक्स को तो 312-318 चल रहा है, लेकिन जो इंटरनेट बैंक के रेट हैं जो हमें वहाँ से मिलते हैं ट्रांजेक्शन मारने में नजर आते हैं वो 290 का रेट चल रहा है 285-290 का, क्योंकि 290,000 हो गए $1,000 तो 290,000 तीन महीने में तो बुरे होंगे. लेकिन शर्त ये कि आपने मेहनत करनी है आपने टाइम लगाना है, यहाँ पर पढ़ाई करते रहे भी आपने टाइम लगाना है क्योंकि हमने देखा कि पैसे तो मैच. अच्छा जब मैंने स्टार्ट किया था 2016 में तो उस वक्त जब उसको अपवर्क पे या फाइबर पे उसको सर्च करो ना तो आती थी 15 जॉब्स 6 जॉब्स आती थी इस तरह. अभी आप चैटबॉट लिखेंगे जाते हैं अपवर्क के ऊपर तो उसमें 300-400-600 जॉब्स तक भी आपको देखने होंगे. ठीक है जो कि बहुत बड़ा इंक्रीज है पिछले 5-6 साल में, ये बहुत बड़ा इंक्रीज देखने होंगे. अच्छा ChatGPT अगर आपने लिख दिया तो वो आपको फिर पता नहीं शायद 2,000 जॉब्स बना, क्योंकि चैट जीपीटी आपको अपना बस बना सब लोग जैसे हर कोई चाह रहा है कि इस गोल्ड रश में से थोड़ा एक टुकड़ा मुझे भी मिल जाए सोने का. तो जी ये हमारी बात हो गई. अब अंदर आ जाते हैं कि हमने व्हाट इज AI को देख लिया, व्हाट इज AI एज अ सर्विस देख लिया हमने, हमने ये देख लिया माइक्रो पाइथन नहीं पढ़ लिया AI एज अ सर्विस. अच्छा AI एज अ सर्विस में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इमेज रिकग्निशन जैसे कि स्पीच API बहुत सारी तरह की AI इंटरनेट पर मौजूद है. अच्छा उसमें से एक AI जो है ना वो कहलाती है NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग. ठीक है वो एक AI ट्रेन है पहले से, हम उसको नेचुरल लैंग्वेज में कोई बात बताते हैं वो मुझे मशीन अंडरस्टैंडेबल मुझे वो चीज़ देता है सामने से. मिसाल के तौर पर अगर मैं जो ना बोलता हूँ कि आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर,
और ये मैं बोल के दिखला उस एआई को पकड़ाता हूँ एनएलपी, तो वो मुझे क्या कर देगा, वो मुझे इंटेंट बता देगा, इंटेंशन बता देगा कि इस जुमले में इंटेंशन क्या है, कितनी पानी मांगा जा रहा है, इंटेंशन बता देगा मुझे। क्या मैं उसको बोलूंगा कि ये तीन इंटेंशन मैं बता रहा हूँ, इसमें से बताओ कौन सा है, क्या ये पानी मांग रहा है, खाना मांग रहा है, या ये सोने मांग रहा है, तो वो बता देगा कि ये पानी मांग रहा है। इस जुमले को देख के ना वो एआई है, तो हम जुमला दे सामने से मुझे एआई और सर्विस लेकिन चैट बॉट। अच्छा अब ये चैट बॉट जो है ये इतना सिंपल नहीं है, इमेज रिकग्निशन इतना सिंपल नहीं है, ये इमेज देता सामने से ऑब्जेक्ट आ गया दैट्स इट, तो वो भी सिंपल नहीं है, इतना वो ऑब्जेक्ट देखकर उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है कि किधर क्या है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना पड़ता है, काम तो वो मुश्किल है, लेकिन चैट बॉट उससे ज़रा ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, क्यों, इसके अंदर बनाना पड़ता है पूरा फ्लो, किसी बात शुरू कहाँ से होगी, बात के दरमियान में क्या होगा, बात के आखिर कहाँ पर होगा, फिर रिडायरेक्ट करना है किसी को क्या करना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो वो उस वाले। अच्छा अब चैट बॉट के बारे में मजीद आपको बताऊँ, क्योंकि चैट बॉट क्या होगा, एक मैसेजिंग एप्लीकेशन जैसी दिखेगी, जैसे चैट जीपीटी से भी आप चैट करते हैं ना, सेम उस तरह का होगा। बहुत सारी वेबसाइट में आपने ये देखा होगा कि वेबसाइट पर खोलते हैं तो कोने में बलून बना हुआ होता है, उस पर क्लिक करते हैं फिर चैट इंटरफेस खुलते हैं, वहाँ पर बात करते हैं सामने से जवाब, तो दैट इज कॉल्ड चैट बॉट, ये चैट बॉट। अच्छा ये चैट बॉट वेब एप्लीकेशन में हो सकता है, ये वेबसाइट में, मोबाइल एप्लीकेशन में हो सकता है, ठीक है, एंड्रॉयड आईओएस दोनों के एप्लीकेशन में, किसी सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, जैसे कि फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप पे भी किया एक्टिव में देखें लगाया हुआ चैट बॉट, और भी बहुत सारे, वो अपन का अपन शेयर करता रहता हूँ, आप अगर मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करेंगे लिंक्डइन पे और फेसबुक पे, तो मैं अपन का अपन शेयर करता रहता हूँ, जो पाकिस्तानी कंपनी जब कोई नया चैट बॉट लॉन्च होती है, जो वन ऑफ दी फर्स्ट चैट बॉट जो मैंने पाकिस्तान में देखा था वो जियो सुपर का था, व्हाट्सएप का उन्होंने चैट बॉट लॉन्च किया था, वो मैच का स्कोर बना था, आप लिखते थे भाई व्हाट इज द स्कोर, चलते हुए मैच का लाइव स्कोर एक्स्ट्रा का सामने मैच वो बस बेसिक कसम था, लेकिन था वन ऑफ द फर्स्ट का, वो 2017-18 में शायद उन्होंने। अच्छा तो ये चैट बॉट कहाँ पे हो सकता है, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में भी हो सकता है, जैसे फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आपका स्काइप, स्लैक, डिस्कॉर्ड, ये बहुत सारे अपने प्लेटफॉर्म, सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, अभी आप देखो मिड जर्नी आप यूज़ करते हैं, वो डिस्कॉर्ड से यूज़ करते हैं, डिस्कॉर्ड में अगर लिखते हैं स्लैश इमेजन ऑन यूज़ किया मिड जर्नी, तो ये इन सब पे हो सकता है, एसएमएस पे भी हो सकता है, यदि आप एसएमएस करेगा कोई बंदा एक खास नंबर पे सामने से जवाब आएगा, चैट बॉट जवाब देगा, इंटेलिजेंटली जवाब देगा, इंटेलिजेंटली का मतलब नेचुरल लैंग्वेज को समझ के जवाब देगा, वरना मैसेज तो वो भी होता है ना कि वन लिख के रिप्लाई करें, और वो सामने से जवाब देगा। अच्छा ये कॉल में भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट आईवीआर, हम कोशिश करेंगे इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा थोड़ा कवर करें, कॉल को भी थोड़ा सा कवर करें, एसएमएस को भी करें, सोशल प्लेटफॉर्म जैसे भी कोई जो दो तीन मोस्ट पॉपुलर है उसको हम डिस्कस करें, उसको बाकायदा हम करके देखें क्लास में अपने प्रैक्टिकल करके किसी पे वो चैट बॉट होता है जैसे, तो सारे सोशल लगा के सारे तरीके लगा सोशल ऐप की तादाद बहुत ज़्यादा है, दो चार तो होंगे ना मोस्ट फेमस जो होंगे उसको लगा देंगे, बाकी में जो दो चार पे जब आप लगा लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सेंस हो जाएगा कि वो बाकी सब कैसे, तो कॉन्टेंट हमारा बहुत ज़्यादा है, टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट होगा, तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी प्रोग्रेस दिखाते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, उसी स्पीड से तो मुझे नहीं चलना होगा, ठीक है, तो आप जब अगर अच्छी स्पीड दिखाएंगे तो मेरा तो रोज का काम है, मुझे क्या मसला है, पढ़ाते चले हम समझ आए ना, तो आप अगर स्पीड दिखाएंगे तो मैं मेरी कोशिश होती तो मैं जरा आपको भी देखते हुए चलूँगा, ऐसा ना हो कि मैं बैठ के पढ़ा भी रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ भी पढ़ा हूँ, मेरा टाइम बड़ा कीमती है मुझे पता है, तो मेरा टाइम जब कीमती है ना तो मेरी कोशिश होती है मेरे मुँह से निकला हुआ एक एक वर्ड वो सामने वाले को समझ आना, अगर किसी का चेहरा देख के मुझे लगता है कि इसको ये मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं फिर उसको रुक जाता हूँ, उसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ, सामने से फीडबैक लेता हूँ, तो ये मेरा एक अंदाजा बनाने का कि तुम मेरे एक एक वर्ड मेरा ना कोई जाया नहीं होना चाहिए, हवा बोलना नहीं कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ कुछ हो भी नहीं रहा, कुछ रिजल्ट भी नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो पढ़ाई होगी या तो नहीं होगी, जीत वाला कोई मामला नहीं है, तो ये जो तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर ये चैट बॉट लग सकते हैं अलाउ कर दिया गया है। स्मार्ट आईवीआर का जिक्र हो रहा था, आप पेपाल के कस्टमर सर्विस पे जब कॉल करेंगे तो वहाँ पे ना अब वो यही बोलता है कि नहीं वन दवाएं टू, टेलीनॉर्मल होता है ना वन दवाएं टू दवाएं,
उनके बाद में उन्होंने अपडेट कर दिया, काफी पहले कर दिया था, हमारे बारे में रिकॉर्ड नहीं किया। उसमें वो बोलती है बंदी के सामने से कि आप अपना मसला बताए, बोलेंगे क्या हुआ, अच्छा और आपके क्रेडिट कार्ड का इशू है या आपकी वो पेमेंट रिसीव करने में इशू है, तो जो जो भी होती है वो बता दी गई साथ साथ सोचा कि ये अपना मसला बताया क्या मसला है, आप अपना मसला बताते हैं वो सामने से उसको समझ के और उसी मेन्यू में आपको ऑटोमेटिकली देगा। ये है स्मार्ट आई, इसको आप नेचुरल लैंग्वेज में बोलते हैं वो जाता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसक्राइब होता है टेक्स्ट में, टेक्स्ट में ट्रांसक्राइब करने के बाद नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी। उसके बाद पीछे हमारा कुछ चैटबॉट का कोई फ्रेमवर्क होता है जो डायलॉग फ्लो हो सकते हैं, चैट जीपीटी हो सकते हैं, वो उसको समझ के उसका जवाब प्रोड्यूस करके और ये पूरा फ्लो जो है ये हमारी इस क्लास का मेन टॉपिक है। देखिए हमारे पास एक टेक्स्ट आया, उसको समझना, उसको प्रोसेस करना, उसको या तो डेटाबेस में सेव कराना या तो कॉरेस्पॉन्डिंग में जवाब उसका तैयार करना, तैयार करके वापस यूजर ऑडियो की सूरत में या टेक्स्ट की सूरत में, तो ये पूरा फ्लो जो होगा ये हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे मेनली। अच्छा अब जरा हम आ जाते हैं, अभी जो आपने जो बताया है ये पूरा तो प्रोसेस है, इसमें तो कोडिंग होगी, कोडिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज होगी? जावास्क्रिप्ट कोडिंग। ये दोस्त ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इसमें कोडिंग होगी, असल सवाल ये कोडिंग इसमें होगी, असल सवाल आपका ये कोडिंग इसमें देखो कहाँ पे होगी कि एक तो फ्रंट एंड होगा कोई ना कोई, अगर तो वो वेब एप्लीकेशन है तो वो वेब एप्लीकेशन रिएक्ट हम यहाँ पे कर रहे होंगे, ठीक है, रिएक्ट थोड़ी सी मैं बता दूंगा आपको कितनी मुश्किल है, नहीं वो दो क्लासेस में सीख लेंगे हम रिएक्ट। अच्छा तो फ्रंट एंड में रिएक्ट पर कोई कोडिंग होगी, वहाँ से जो हम जब ए पी आई कॉल करेंगे जो जावास्क्रिप्ट से ए पी आई कॉल हो जाएगी, उसके बाद वो ए पी आई पहुँचेगी हमारे सर्वर पर और सर्वर से चलेगी आगे की कार, सर्वर की कोडिंग होगी। अच्छा सर्वर पे कोडिंग होने के बाद जब वहाँ से ना अब हमारे पास चैट बॉट का ना जो जो ए आई इस्तेमाल करो ए आई और सर्विस जो हम चैट बॉट के लिए इस्तेमाल करेंगे दैट इज कॉल्ड डायलॉग फ्लो। तो डायलॉग फ्लो एक पूरा एक ए आई और सर्विस होने के साथ साथ इटसेल्फ एक प्लेटफॉर्म है, तो उसकी अपनी लॉजिक समझ, उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो नहीं है वो ड्रैग ड्रॉप वाला चक्कर, लेकिन उसके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें तीन उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इंटेंट एंटिटीज एंड फुलफिलमेंट। तो उसका जो थर्ड वाला पार्ट है फुलफिलमेंट वो अगेन एक सर्वर, सर्वर की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है, उस फुलफिलमेंट के अंदर कोडिंग होगी, डायलॉग फ्लो के अंदर वो फ्लो बनेगा, उसकी लॉजिक्स हैं लेकिन वो कोडिंग नहीं, वो लॉजिक्स हैं लेकिन हमारे पास इसमें हर स्टेप पे कुछ ना कुछ किसी ना किसी दर्जे की कोडिंग मौजूद है, और ये सारी की सारी कोडिंग हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे, सर्वर उस पर बनाएंगे, डेटाबेस जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे, फ्रंट एंड बनाएंगे, चाहते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी का अटैच कर देंगे चैट बॉट, तो सोशल प्लेटफॉर्म में क्या रहता है डायलॉग पे, जैसे जब भी कोई मैसेज आएगा तो आपको एक पिंग करेगा वो किसी सर्वर, वो आपका बनाएगा सर्वर हो, तो उस सर्वर पर जैसे ही मुझे पता चलेगा ना अच्छा मुझे फेसबुक के पेज पर फला बंदा ने मैसेज किया, वो मैसेज मुझे पूरा सर्वर पर रिसीव होगा, मैं वहाँ से उसको उठा के डायलॉग फ्लो भेज दूंगा, जवाब निकालूंगा और उसमें जवाब निकाल के वापस उस प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ मेरी सर्वर की कोडिंग सोशल प्लेटफॉर्म की। अगर मैं कॉल के केस में बात करूँ तो कॉल में क्या होता है ऑडियो आती है मेरे पास, तो वो ऑडियो पूरा का पूरा मेरे पास सर्वर पे आता है, उसको मैं ट्रांसक्राइब करूँगा गूगल स्पीच एंड के बाद, उसको ट्रांसक्राइब करके फिर वो टेक्स्ट बन जाए, टेक्स्ट के बाद उसकी एनएलपी करूँगा, एनएलपी के बाद उसका जवाब तैयार करूँगा, उसके बाद वापस उसको मैं ऑडियो में कन्वर्ट करूँगा स्पीच एपीआई के जरिए, और फिर उसको कॉल तो मैं वापस भेजूँगा जिस पर मैंने नाम, तो ये बड़ा लंबा सा प्रोसेस है लेकिन होता ही है छुट्टियों में पता नहीं चलते कब हुए। सर जी जबर में सवाल आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल पर आप ई कॉमर्स का चैटबॉट बना रहे हैं वेबसाइट का, तो क्या मुमकिन है उसके एनएलपी होंगे, क्या क्वेश्चन होंगे जिस पर फिट करने पड़ेंगे, उसका आंसर भी हमने मारने पड़ेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा एरिया है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी कस्टमाइज करेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जो कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा ये बगैर एआई में हैंडल हो आप, तो आपके अगर ये 1-2-3 प्रेस वाला होता है ना उसमें लिमिटेड नंबर्स होते हैं वो आपके उसमें 1-2-3 और सुन के या पढ़ के ना 1-2-3 प्रेस बना, ये मसला है। अच्छा इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है, हम पहले से इंटेंट डिसाइड करते हैं कि इंटेंशन क्या क्या होगा, अब जो ई कॉमर्स वेबसाइट का भी क्या क्या करेगा, किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछे ना ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर का स्टेटस लेगा, कंप्लेंट करेगा, चार इंटेंट मिसाल के तौर पर पहले से ही सोच लिया, हर इंटेंट की हम ट्रेनिंग फ्रेजेस देते हैं, पहले से ट्रेन हुए मॉडल को हम कुछ ट्रेनिंग फ्रेजेस मजीद देते हैं, ये बोलेगा ना इसका मतलब है ऑर्डर करेंगे, ये बोलेगा इसका मतलब है कंप्लेंट करना,
वो पहले से हम उसको बना के रखते थे। अच्छा, लेकिन वो एआई फिर इतना समझदार होता है कि वो किसी भी मुख्तलिफ तरह से बंदा बोले ना कंप्लेन, वो उसको समझता है। अच्छा, वो हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग हैंड ऑन करके देखेंगे, तो वहाँ पर पता चलेगा हमें कितने पानी में डायलॉग फ्लो होगी। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई सारी एआई की बात हो गई, एआई का सर्विस की बात हो गई, एआई का सर्विस में स्पेसिफिकली चैटबॉट की बात कर रहे हैं वो बात हो गई, फिर हमने वॉइस एप्लीकेशन की बात करी थी वो भी सारी बातें कर रहे हो। चैटबॉट ही होता है उस पर लेयर बनी होगी गूगल स्पीच ए आई, इससे बोल के वो सारी कार्रवाई चल रही होगी, जैसे कि गूगल असिस्टेंट अलेक्सा। तो एक तो मैंने आपको अदीस का रेफरेंस दिया क्योंकि उसमें ये अलग अलग से उसने बताया कि ये हर चीज़ आपसे बात करेगी। अच्छा, ये साइंटिफिक एविडेंस है कि आप ये देखें, ये पेंटिंग एक बनी है जिसमें ना ये निंद्राल फैमिली है, अब ये पता नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन सही निंद्राल को नहीं होती, तो मुश्किल सा वर्ड है वो कुछ रखना नहीं, तो मैं उसको निंद्राल निंद्राल फैमिली ने ये एक बड़े मशहूर पेंटर है मिस्टर वुड, उन्होंने ये बनाई है। अच्छा, ये निंद्राल फैमिली कौन, ये पुराने फॉसिल्स जो मिले हैं ना, पुरानी कोटियाँ मिली हैं हजारों साल पुरानी, तो वो उसमें से एक फैमिली हुई मिली है नीचे, उसको ये कहते हैं निंद्राला, गूगल जाने भी जाते हैं। अच्छा, तो ये 100,000 ओल्ड ये फॉसिल्स हैं अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट जो जिनके लिए फील्ड होती है। अच्छा, उनके बारे में खोपड़ी को देख के उनके ये बताया जा सकता है, मिसाल के तौर पर इंसान के स्केलेटन को देख के ये बताया जा सकता है कि अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। अगर तो समुद्रों में ज़्यादा ये चेहरा उठाता था उसकी वो बाग वाग में खोपड़ी में जैसे कैल्शियम और बना पाव मिलता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हॉर्स राइडिंग करता रहे बंदा उसके जो बैक बोन का स्ट्रक्चर है वो उन लोगों से मुख्तलिफ होता है जो हॉर्स राइडिंग नहीं करते। मिसाल के तौर पर आप लोगों के स्केलेटन का अगर जायजा ये है तो ये बताया जा सकता है कि कौन बंदा बाइक राइडिंग ज़्यादा करता है, कौन गेनिंग करता है चेयर पर बैठने के लिए। थ्रोट का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक खास तरह का स्ट्रक्चर थ्रोट में बिल्डअप हो जाता है उन एनिमल्स का जो बोलते हैं, जो बोलते नहीं है उनका थ्रोट का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। उनके थ्रोट के स्ट्रक्चर को देखते लिए साइंटिस्ट ने ये बात बताई है कि बोलते थे कुछ बात करते थे, तो वो उसी चीज़ से इंस्पायर होकर ये मिस्टर वुड ने ना एक पेंटिंग बनाई है जिसमें आप देखेंगे फैमिली, अच्छा इनकी शक्लें तो नहीं पता किसी को, वो तो सारी प्रेडिक्शन है जो साइंटिस्ट ने वो स्कैन बनाई है कि अच्छा इस तरह के देखते होंगे उनके स्केलेटन को देखते, तो ये बैठी हुई पूरी फैमिली थी आपस में बात कर रहे हैं और इन्होंने याद कम्युनिकेट कर रहे हैं कुछ कह रहे हैं। अच्छा, 100,000 ईयर ओल्ड की दूसरी तरफ आप देखेंगे किस टैबलेट्स अर्लीस्ट राइटिंग जो है ना जो मिली है मैन माइंड को वो ये किश टैबलेट्स है। अच्छा, ये किश टैबलेट जो है वो 5,000 ईयर ओल्ड है, इससे पुराना लिखा हुआ नुस्खा नहीं दरिया होता है 5,000 ईयर ओल्ड। अच्छा, ये दिखाने का मकसद क्या है, आप देखिए मैं कितनी तेजी से लेकर बोलता जा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है ना बोलने का 100,000 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मेरे एंसेस्टर्स बोलते थे, मैं भी बोलता हूँ बोलने में मजा आता है। अच्छा, आप सुनते भी जा रहे हैं इतनी तेजी से, अगर यही बात लिखू मैं इतनी तेजी से नहीं लिखा जा सकता मैं या कोई नहीं लिख सकता, आप उसे भी नहीं लिख सकता। अच्छा, इसी तरीके से अगर लिखा हुआ आपको दे दिया जाए मैं बोल रहा हूँ ना बोल सुन रहे हो, अगर आपको ये लिख के दे दिए थे तो क्या इतनी तेजी से आप उसको पढ़ पाएंगे, नहीं। तो डिपेंडिंग ऑन लिखने का और पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है हमारा, बोलने का और सुनने का एक्सपीरियंस हमारा ज्यादा है। अच्छा, अब आप सोच रहे कि यार ये क्या बकवास है, ये 100,000 ईयर से हमारे एंसेस्टर बोलते हैं हमारा उसे क्या था, तो ये ताल्लुक तो होता है ऑब्वियसली, अभी वो उसका भी साइंटिफिक एविडेंस है भी है, लेकिन आपको वैसे ही समझा क्योंकि लकड़ाने का बेटा होता है ना जो कारपेंटर का बेटा होता है वो पैराशी उसको आती है। अच्छा, तो मेरे अब्बा केमिकल का नाम है केमिस्ट, अच्छा मुझे केमिकल पता है सारा,
मैं दूसरे देख के बता देता हूँ कौन सा केमिकल लग रहा है, मोस्टली केमिकल्स जो है दूसरे देख के बता वो ये लग रहा है, क्योंकि मैं बचपन मैं पढ़ा उसी में वो अब्बा की लैब में उसमें सारे केमिकल जो है सर लोग बड़ा डरते हैं वो एसिड वगैरह बचपन में मेरे तो सामने की बात है सारी, तो वो मुझे पता है क्या होगा इसमें क्या नहीं होगा क्या किस तरह से एहतियात करनी है वो सब पता होगा मुझे। अच्छा और लेकिन मैसेज कोई बादशाह का बेटा है तो वो उसको गाँव में भी ले जाकर छोड़ दो ना तो वहाँ भी कुछ और राट करेगा, तो बंदे के डीएनए में बात होगी। अच्छा तो पता ये चला कि इंसान के माइंड में एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें ना उसकी एंसेस्ट्री का सारा डेटा होता है, ठीक है। अब ये देखिए हम जरा हाउ मेनी टाइम्स आवर एंसेस्टर परफॉर्म स्वाइप एंड पिंच जेस्चर, ये डेस्टिन कोड एंड की बुक एक है जो हम इस क्लास में चला पड़ेंगे, उन्होंने ये बात लिखी है कि जो पिंच और ये टच का जेस्चर ये तो हमारे एंसेस्टर ने नहीं किए, ये अभी की बात है 25 साल पहले की बात है बल्कि उससे भी रिसेंट है। अच्छा तो यही वजह है कि लिखने और पढ़ने से भी ज्यादा स्लो किसमें कंप्यूटिंग के जी माउस से उसको घुमाना पड़ता है, पहली दफा मतलब किसी को अगर माउस पकड़ा है ना तो वो माउस को जो निशाने लगाता रहता है जिस तरह निशाने कैसे रहते हैं वो है ना सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ है बचपन में पहली दफा मैंने कंप्यूटर चलाया टू या थ्री क्लास में होता नहीं फोर्थ क्लास में है, और सामान्य वो कंप्यूटर लैब में बकायदा लेके जाते थे क्योंकि एक खास हिस्से में अमेरिका के ये पाए जाते हैं। अच्छा वो के वहाँ पर कोई मौसम चेंज होता है तो दिसंबर में वहाँ से ही माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे स्टेट में माइग्रेट करते हैं। अच्छा ये हम देखेंगे पूरा इन्होंने ये साइकिल बनाया है कि मई है ना वो एक जनरेशन उनकी खत्म हो जाती है और ये वो ऑन्टारियो तक पहुँच जाते हैं। अच्छा फिर दो तीन जनरेशन ऑन्टारियो में गुजरते हैं, इनकी उम्र सिर्फ एक महीने दो महीने इनकी उम्र होती है पूरी उम्र, इसका मतलब है जो चाहे यहाँ से चला था वो उधर भी पहुँचे बीच में नहीं खड़ा होगा, अरे जनरेशन का जिक्र किया है। अच्छा और आप देखें वो नवंबर में ना वापस मैक्सिको पहुंच जाते हैं जहाँ से ये चले थे, ये मैक्सिको से जहाँ से चले थे वापस क्योंकि मौसम वहाँ भी चेंज हो गया वो भी पूरा चक्कर मारते हैं वहीं। अच्छा अब ये बड़ा एक बड़े अक्षर तक ये मामला आया अभी भी है क्योंकि अभी भी थ्योरी है प्रैक्टिकल डेटा तो नहीं आया गया कि ये होता कैसे, कौन इनको बताता है कि जी यहाँ से बोल। अच्छा हर दफा उसी रास्ते से जाते हैं कोई हटल आ जाए बीच में उसको बाईपास करते हैं अपनी जगह पर, बीच में दो तीन चार जनरेशन खत्म हो जाती है वहां पहुंचते हैं फिर वहां पे से वापस उसी रास्ते से होते जाते हैं। अब इनको बताता कौन है कि कहाँ जाना है और वापस कहाँ आना, वो तो जनरेशन खत्म हो गई जाते भी खत्म हो गई सारी किनारे डेथ हो गई। अच्छा तो क्या एक दूसरे को टीच करते हैं तो कम्युनिकेट तो ये करते हैं बोलते नहीं बटरफ्लाई बोलती नहीं उसका थ्रोट नहीं होता ठीक है होगा कोई दूसरा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या मुझे वो टीच करते हैं। अच्छा तो बहुत सारी इसकी थ्योरीज हैं, वन ऑफ दोस थ्योरीज के थी वो इनको मेरा अपने एंसेस्ट्री का जो डेटा है उसका एक्सेस होता है, तो अच्छा हम ह्यूमंस में भी हमें एक्सेस होता तो नहीं लेकिन कभी कभी ग्लिच आता है एक ग्लिम्स आता है कभी आप कहीं जाते हैं आप देखते हैं यार तो मैं पहले भी आया हूँ शायद देखा देखा लगा है ना ऐसा होता है इसको डीजा वो फिनोमेना का नाम दिया हुआ इसको डीजा वो कहते हैं। आपको लगता है कि ऐसे ही मैंने इतिहास में पढ़ा होता एक दफा मुझे अम्मी ने आवाज़ दी हालांकि आपको पता पहले नहीं हुआ ऐसा और मेरे साथ ये ऐसी जगह पर हुआ जहाँ जिंदगी में कभी नहीं गया मैं एक दफा क्वेटा गया क्या कहते हैं ज्यारत तो वहाँ पे मैं ऐसे ही जा रहा था तो मैंने वहाँ पर देखा एक होटल बना हुआ था जो होटल सारी लाइन से होटल बना हुए तो मुझे लगा यार होटल ना मैंने पहले भी बनाया मैं इधर आया मुझे ऐसा अच्छा तो मुझे एकदम फील हुआ कि जब ऐसे जाके टर्न होता है वहाँ पे कैसे गोल दरवाजा होता
अच्छा मैं गया वहां पे बोल सकता हूँ, मुझे एकदम लग रहा है कि यहाँ पर मैं आया हूँ। हालांकि मुझे पता है मैं उस जिंदगी में एकदम ही गया वो उसी दवाई, उसके बाद दोबारा कभी नहीं गया ना उससे पहले। तो आपके साथ अक्सर ये होता होगा, उसको डीजा कहते हैं हर किसी के साथ कि आपको मैं ग्लिच आता है, ग्लिच आता है प्लानेट। अच्छा तो मेरे मेरा के एंसेस्टर मेरे गए होंगे वहाँ जिस जो ग्लिच मेरे पास पहुँच गए। तो ये एक थ्योरी जो सपोर्ट करती है उसको कि वो आपका जो एक्सपीरियंस है ना, और हमने दो तीन एविडेंस दे दिए। एक तो प्रैक्टिकल एविडेंस दी, बोलने और सुनने के बाद एक्सपीरियंस आता है, बोल रहे फ्लुएंटली है, और दूसरा वो डीजा बुक करके साइंटिफिकली तो उसको थोड़ा सा ये एविडेंस करना। अच्छा और नंबर तीन ही आ गई आप सोशियोलॉजी की है। अच्छा अब जरा मुझे मार्केट ट्रेंड की बात करनी है। मार्केट ट्रेंड में ये तो खैर आप सब ढकी छुपी बात ही है, सीरी जब रिलीज हुआ आईफोन में 2010 में रिलीज हुआ था सीरी पहली दफा। अच्छा 2018 में इन्होंने बोला कि जी हम 100 मिलियन आईफोन 12 उसका पाया था, उन्होंने क्लेम किया था कि 100 मिलियन में सिर्फ आईफोन 12 बेचा है, और टोटल उसको तादाद उन्होंने क्लेम की थी कि 2.2 बिलियन आईफोन मार्केट में सर्कुलेट कर रहे थे एक्टिव आईफोन, उन्होंने क्लेम किया था 2018। अच्छा इसी तरह अमेजोन, अच्छा अभी तक सीरी ने जो है ना उसने ऐप्स अलाउ नहीं किए, सीरी अभी तक उन्होंने ऐप्स अलाउ नहीं किए क्योंकि वो अगर उन्होंने जो बना दिया वही चलता है, कस्टमाइजेशन उसमें किसी रीजन की उन्होंने अलाउ नहीं किए क्योंकि एप्पल का कुछ ऐसा ट्रेंड है कि वो थोड़ा लेट आता है मार्केट में, और वो थोड़ा सा चाहता है कि हम सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हों, और सबसे ज़्यादा मतलब जब सारे ट्राई व्राई करते हैं जब आखिर में कंक्लूजन होता है तो वो वो कहते हैं मस्ती मजाक नहीं चाहिए हमें, सीरियस मतलब गेम, तो थोड़ा सीरियसनेस के चक्कर में लेट आते हैं हमेशा। तो अभी तक उन्होंने वो अलाउ नहीं किया। अलेक्सा ने अनदर एंड वो पहले दिन ही अलाउ हो गया था कि जी आप इस पर एड्स बनाएं अलेक्सा ने। तो 2014 में ये लॉन्च हुआ था और 100 मिलियन जो है ना 2019 तक ये सेल कर चुके हैं डिवाइस अलेक्सा के जो डिफरेंट उसमें। तो अच्छा बाद में तो फिर उन्होंने स्पीकर में देना शुरू कर दिया, हेडफोन में देना शुरू कर दिया। तो ये उन्होंने क्लेम किया था 2019 में कि 100 मिलियन हम बेच चुके हैं। अच्छा 2016 में गूगल ने क्लेम किया कि 52 मिलियन हम डिवाइस में बेच चुके हैं, गूगल असिस्टेंट के जो होम डिवाइस है वो भी, और फोन वगैरह में वो अलग है क्योंकि फोन भी तो अच्छे खासे हैं ना, क्या कहते हैं जो 2.2 बिलियन आईफोन वाले क्लेम कर रहे हैं, दुनिया में टोटल 8 बिलियन आबादी है, तो बाकी के जो 3-4 बिलियन जो लोग हैं वो एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, मेजर तो मार्केट शेयर ही दोनों का, और तो तीसरा भी है कि वो थे पहले ब्लैकबेरी वगैरह और अपने फीचर फोन में कुछ तो वो सारे खराब हो गए, फीचर फोन अब बहुत कम यूज होते हैं तो सिर्फ स्मगलर्स यूज करते हैं फीचर फोन जैसे बैटरी भाग वगैरह होता है, बाकी मामला बनता है वो या तो एंड्रॉइड यूज करते हैं या तो आईफोन यूज करते हैं। तो अच्छा फिर 2018 में एक फ्रेमवर्क आया डायलॉग्लो का V2 अनाउंस हो गया, जो डायलॉग्लो जो फ्रेमवर्क है वो हम यूज करेंगे चैटबॉट बनाने। अच्छा ये 2018 में इसका V2 लॉन्च हुआ था, असल में ये डायलॉग्लो गूगल ने बनाया नहीं है, ये एक कंपनी थी उसका नाम था API.ai, उन्होंने ये बनाया था फ्रेमवर्क में कुछ लड़के थे 2-4 यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बनाया था, फिर बाद में इसको गूगल ने एक्वायर किया, गूगल ने अपॉय करके इसका नाम चेंज कर दिया डायलॉग्लो करके, और उन्होंने डालना ये बनाया था 2012-13 के अराउंड ये आया था API.ai, उसके बाद 2015-16 में शायद इन्होंने गूगल पर उन्होंने जो अपॉय किए 15-16 के दरमियान में। तो मैंने जब शुरू किया था उसका API.ai का फिर मेरे सामने भी डायलॉग्लो हुआ उसका V1 जो वैसे रीनेम किया उसको, तो उसके बाद V2 जो हुआ ना वो स्टेबल हो गया जो 17 अप्रैल 2018 में रिलीज हुआ। यहाँ से देना चैटबॉट की जो ऐप्स बनना शुरू हुई है चैटबॉट की वेबसाइट के लिए और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, यहाँ से सीरियस गेम शुरू हुई। अच्छा आगे तो मेरे नजर ये वो सारे डिवाइस की फोटोज है, ये गूगल की डिवाइस है सारी जो अवेलेबल है, वो अमेजोन की सारी अलेक्सा की हर शेप्स है, और एप्पल में आईपैड में और आईफोन में और ये तीनों में उन्होंने सीरी किया हुआ है। अच्छा सीरी का भी होम पॉड भी आ गया है जो इसमें जो वो होने में ऑरेंज कलर का, और इनके एयर जो एयरफोन ले रहे थे एयरपॉड्स उसमें भी सीरी मौजूद है, उसमें आप दबाते हैं तो सीरी काट देते हैं उस पर भी आप सीरी से बात करते हैं। अच्छा और अच्छा अब ये चैटबॉट का सर्फ कहाँ कहाँ कर रहे हैं बिजनेस में कर रहे हैं, जैसे दोस्त ने कहा कि ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके लिए चैटबॉट हो सकता है,
कि चैटबॉट आए बंदा और बोले कि मुझे ना वो मुझे चेयर चाहिए ना, मुझे चेयर इस चीज़ के लिए चाहिए, मेरे पास स्टडी के लिए चाहिए, वो मुझे चार पिक्चर दिखा देना यदि ये चार चेयर है हमारे पास बेस्ट सेलिंग है स्टडी वाले स्टडी चेयर की कटिंग है। अच्छा उसमें से कोई एक मुझे पसंद आया मैंने उसके ऊपर कह दिया क्लिक एंड टू कार्ट। अच्छा आपको मुझसे पूछेंगे कि आप पैसे कैसे देंगे, मैंने उसको कहा कि मेरे ना आप कैश ऑन डिलीवरी करो, हमारे को भी करना था कैश ऑन डिलीवरी करो। अच्छा आपको मुझसे मजीद सवाल पूछना शुरू करेगा, बात बात हो गई ये चैट हो गई, चैट करके आपको फोटो भेजता है आराम से बता आपके एक पे क्लिक करते हैं तो उसने पूछा कि अपना फ़ोन नंबर बताता है, मैंने फ़ोन नंबर टाइप किया एंटर कर दिया। अच्छा फिर उसने पूछा कि एड्रेस भी अपना बता कौन से शहर में आपने का कहा था और वो इस तरह करके वो फाइनलाइज होगा। उसके बाद आपको कहेगा जी वो चैट भी आपसे जाएगा यदि आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के लिए आपको एक कोड देता है वो कोड आपने आपने एंटर करना वहाँ से देंगे। मैंने देखा चैट पर सुन लीजिए थैंक यू सो मच फॉर योर ऑर्डर, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया आपको लेना फोन आएगा दो दिन बाद डिलीवरी हो गया फला दिन। तो इस तरह करके वो ई कॉमर्स की वेबसाइट पर चैट आउट हो सकता है। अच्छा हेल्थ केयर में अभी तक कोई ऐसा स्पेशलाइज चैटबॉट इतना अच्छा देखने में नहीं है लेकिन कुछ चैटबॉट्स हैं ऐसे जिनको वो अवार्ड वगैरह मिले हैं लेकिन जोमिया से वो करने का कोई चैटबॉट था क्योंकि वो आपको नींद चला था। अच्छा एक मैंने रिसेंटली जब चैट जीपीटी लेने आया था तो उसमें बना के लॉन्च किया था डिप्रेशन काउंसलर अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाया था तो आपको देखा ऐसी बात करता है जबरदस्त यदि आप उससे बात करें जो भी डिप्रेशन होता है आपको पूछता है बताओ क्या डिप्रेशन है उसका सोल्यूशन बताता है। क्या होगा क्या गैस करेगी विल यू मैरी मी ये सबसे ज्यादा पूछा वाला पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है तो वो इंटरटेनमेंट से शुरू होती है सारी चीज़ें। इंटरटेनमेंट से तो क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता लोग लोगों को यूज केस पता चल जाता है कि अच्छा नहीं फला यूज केस में ना मैं इसको यूज कर रहा हूँ मेरे फला चीज़ में ये काम आ गया आहिस्ता आहिस्ता यूज केस मिल जा रहा है और यूज केस उसको इस्तेमाल करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो आपकी ज़रूरत बन जाए क्योंकि उसके बगैर काम नहीं होता और ज़रूरत के वक्त फिर आपकी बन जाती है वो मजबूरी क्योंकि उसके बगैर बिल्कुल ही काम नहीं होता। ठीक है मोबाइल फ़ोन जो है इस वक्त हमारी मजबूरी है। ठीक है तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप देखते हैं जरूरत हो जो मोटर बाइक्स थी कुछ शायद वो भी इंटरटेनमेंट ही एग्जाम है लेकिन अब मजबूरी हो ये जो फोन गेम पहले तो वो चलता था घोड़ा गाड़ी तो वो हेनरी फोर्ड से किसी ने पूछा उसने कहा कि यार अगर मैं घोड़ा गाड़ी में से पूछता ना कि मैं क्या बनाऊँ क्या तुम्हें इम्प्रूवमेंट क्या करूँ उस घोड़े गाड़ी में वो कहता है मुझे और तेज घोड़ा लगे उस वेफर उससे मैंने बना दी तो शुरू में बड़ी क्रिटिसिज्म हुई क्या ठीक है बोला कुछ लोगों ने बोला कि यार ये महंगा है चलो स्टेटस सिंपल है चलो शुरू हो उन्होंने भी किया लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखिए लोगों को यूज किया पता चला जरूरत नहीं। अब आप फोर व्हील जो चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस हो चाहे कार हो चाहे आपकी अपनी टू व्हीलर हो वो आपकी मजबूरी है। ठीक है अगर आपसे कोई कह रहे हैं ऐसे सर्वर पैदल चले तो आपके यहाँ पागल वो जमाने में कॉमन था यदि यहाँ से सर्वर तक कोई पैदल इतनी दूर तो चले ही जाते होंगे एक गाँव से दूसरे गाँव ट्रैवल कर ही करते होंगे लोग यार घोड़ा गाड़ी पर अभी तो घोड़ा गाड़ी पर आपने से किसी को बिठा दूँ तो आप उल्टिया करना शुरू करना बचपन में बैठा हूँ जो क्या कहते हैं वो सम टाइम क्या होता है कहीं गुलाम से माल माल आगे पीछे लेके जाना होता है वो गलत गाड़ी पे जाता है पापा हमारे कैरियर पे काम करते तो उस गलत गाड़ी पे ना आपको मुझे बिठा देते यार उसके साथ मैं जा रहा हूँ गलत गाड़ी में बैठ गया गलत गलत आधी हड्डियाँ भी तोड़ देता हूँ इतना वो उछल उछल गया ना बेटा गलत हो जाता है। और अच्छा वो छोटा सा मैं मेरे लिए इंटरटेनमेंट लगा हूँ मैं टक पे उसमें जा रहा हूँ तो ये गलत गाड़ी घोड़ा गाड़ी तो हमारे बस की नहीं है और वो तोड़ के अगर तेज
बस आप लोग इतना ऐसा उछलेगा ना कि रीड गेट भी आपकी डैमेज कर देगा, अच्छा खासा उसको डैमेज दे रहा होगा, घोड़े के ऊपर बैठना बहुत मुश्किल होगा। अगली बजे पाँच खेल आपको सुनना था पाँच बजे, इसमें से बहुत सा आदमी की तैराकी है तैराकी और तलवारबाजी और पाँच सर निशान नीति का नजर हो गया ना एक और गेम पाँच मिनट में मेटावर्स हम लोग नाम सुनते हैं, वेब थ्री का सब लोग नाम, अच्छा वेब थ्री की भी बल के बात नहीं चलाई तो वेब थ्री को भी जरा सुनने गया, वेब थ्री क्या चाहिए, वेब थ्री का कुछ भी एक बस वर्ड है, एक बस वर्ड है जिसको सब लोग एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। तो वेब थ्री वेब का अगला हो जाए जो किसी को नहीं पता कि वो क्या हो है ना, रेवोल्यूशन जब आ रहा होता है ना उस वक्त ही पता चलता है कि क्या है, वो तो जब आके चला जाता है फिर बंदा बोलता है अच्छा ये चीज रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होगा ये किसी को नहीं पता, कुछ लोग कहते हैं 5G होगा, कुछ लोग कहते हैं IoT होगा, कुछ लोग कहते हैं रोबोट होने हैं, तो अभी होगा अभी हुआ हो रहा है अभी उस ट्रांजिशन में गुजर रहे अभी नहीं पता चलेगा इसको, लेकिन हम ये बताते हैं कि अच्छा कि वो जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थे ना फला चीज क्या थी, थर्ड रेवोल्यूशन बता रहे वेब टू लेकिन चौथा क्या होगा वो अभी पता नहीं, जो हुआ नहीं हो रहा है उस ट्रांजिशन में, इसी तरीके से वेब वन और टू तो हमें पता है क्योंकि मैं तो वेब का बंदा हूँ, मैं वेब का बताता हूँ, वेब वन क्या था पंपलेट था देखो लोग कागज का पंपलेट होता है जब देखते हो, वेब वन ये था बस देखो क्या क्योंकि वैसी वेबसाइट आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, वेब वन वाली जो वेबसाइट है वो आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी किसी जा सकते पंपलेट है, आप उस पर कुछ क्लिक नहीं कर सकते, बस दिखेगा आपको डायरेक्ट सर्च चार पेजेस होंगे, चारों पेजेस आप देखो कुछ प्लेटफॉर्म Facebook, YouTube, LinkedIn, WhatsApp, ये चलता ही यूजर के डेटा पर। इमेजिन करो अगर Facebook पे कोई पोस्ट ना करे तो मेरे और आपके जैसा बंदा ही पोस्ट कर रहा है, तो Facebook पूरी चल रही है, अगर कोई पोस्ट ना करे तो Facebook क्या है, Facebook तो जैसे एक फ्रेम है उसके बीच में आपका डेटा आता है, तो ये रख होता है क्योंकि आप अपना भी डेटा देंगे, अपना भी ओपिनियन देंगे, उस पर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, पोस्ट करेंगे, यूट्यूब पर यूट्यूब पर इमेजिन करो कोई वीडियो ना होगी, वीडियोज जो होते हैं सब लोग जिन्होंने डाली सब डिलीट कर, पर यूट्यूब क्या बचेगा, ऐसा टीवी बचेगा जिसमें किसी तार नहीं लगी हुई है ना, ऐसा टीवी बचेगा जिसमें कोई तार नहीं लगी हुई जो ब्लू स्क्रीन आ रही है सब खाली, यूट्यूब तो ये वेब टू भी इतने प्लेटफॉर्म ही चलते ही आपकी डेटा है ना, अब आपकी ये वेबसाइट सारी मिली है, अब वेब थ्री क्या होगा ये किसी को पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि ब्लॉक चेन से कुछ होगा, कुछ लोग कहते हैं कि वो मेटावर्स के लिए होगा वेब थ्री, कुछ लोगों का ख्याल है कि जरा वो वॉइस एप्लीकेशन होगी शायद जो बोले सारी बात होगी, और कुछ लोगों का ख्याल है कि जी शायद जो है ना इसका कोई फीचर होगा, अच्छा मैं उन लोगों में हूँ जो मेरा ये ख्याल है कि होगा जो होगा तो पता चलेगा होगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वेब थ्री जो है वो मिक्सचर होगा किसका, मेटावर्स का और वॉइस एप्लीकेशन, अच्छा आप सोचें ना मेटावर्स, मैंने वो VR में ग्लास लगा लिया अभी तो बल्कि एप्पल अभी लॉन्च भी कर रहा है 15 तारीख को एक VR के ग्लास का, कल मेटा ने की ला है कल कर दिया, कल मेटा ने किया था फेसबुक ने मार्क जुकरबर्ग एक पोस्ट भी उन्होंने नया वाला लॉन्च किया है, अच्छा नया वाला नहीं है कि एप्पल 15 तारीख को होने वाला है कुछ उसकी बड़ी, अच्छा एप्पल ने खुद तो नहीं बोला और ऊपर चल रहा है कि 15 के इवेंट पर कुछ करेंगे इस तरह का, बहुत हाइप बन गई पता नहीं क्या बना दिया,
तो आप इमेजिन करेंगे इस तरह का कोई ग्लास आपने पहन लिया जिसको लगाने के बाद आप चले गए मेटावर्स की दुनिया में, आप ऑगमेंटेड है या वर्चुअल है? एक ऑगमेंटेड रियलिटी होती है, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में क्या होती है, आप पहना ये दुनिया है, एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आप जिसमें आपको ये आप गिरते पड़ते हैं वर्चुअल होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड क्या होता है, चश्मा लगाया आप रहेंगे इस दुनिया में, लेकिन जो खाली चेयर है उस पर बंदे को बैठ जाएंगे जो यहाँ एक्चुअल में मौजूद, इस रियल वर्ल्ड में ऑगमेंट हो जाएगा ऊपर एक एक दूसरी है जो शायद है उस चश्मे वाले का मतलब नहीं उसे उसको नजर आया जो चश्मा है। जैसे पोकेमॉन गो वगैरह आपने खेला, पोकेमॉन गो नहीं खेला तो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं पुराना हो गया तो वो आप देखेंगे उसमें कैसे होता है, रियल वर्ल्ड में ना पोकेमॉन भाग रहा होता है आपको उसके पीछे भाग रहा होता है, आप फोन लेके ना लोग भाग रहे हैं वो एक्सीडेंट करवा रहे हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी। तो आप ऑगमेंटेड में या वर्चुअल रियलिटी में आपने ग्लास लगा के वो दुनिया में, अच्छा आप क्या करेंगे वहाँ पे, क्या बटन दबाएंगे आप? अगर आप वर्चुअल वर्ल्ड में भी आओगे आप बटन ही दबा रहे हैं तो क्या फायदा? तो मेरे ख्याल में है कि मेटावर्स के अंदर प्राइमरी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा ह्यूमन और कंप्यूटर का कम्युनिकेशन, वो उसका मीडियम होगा वॉइस। तो मैं समझता हूँ जो वेब थ्री आएगा उसमें ये दोनों चीज़ें होंगी, होगी हो सकता है ब्लॉकचेन वगैरह भी हो टेक्नोलॉजी, लेकिन ये चीज़ तो होगी कि अगर जी मेटावर्स हो रहा है ना तो उसमें मीडियम प्राइमरी जो है वॉइस होगा, क्योंकि इतना तो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। अभी ओपन एआई ने विस्पर करके एक फ्रेमवर्क निकाला, बड़ा अच्छा नॉर्मल फ्रेमवर्क है, टाइम पर उनको बताने में जो हम कर रहे होंगे। अच्छा लेकिन अब क्या हो गया है, अभी वो इसमें मुझे स्लाइड बदली बनाने का मौका नहीं मिला, अब हमारे पास एक चीज आ गई है चैट जीपीटी। तो हम डायलॉग फ्लो के साथ साथ चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे और अंत करीब मेरा ये ख्याल है कि डायलॉग फ्लो को रिप्लेस कर देगा चैट जीपीटी। अच्छा अब क्या होगा था, ये डायलॉग फ्लो करके ना हम करते थे अलेक्सा के लिए, क्योंकि अलेक्सा की एप्स बनाने के लिए उनका पूरा डेडिकेटेड एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है अलेक्सा स्क्रिप्ट के नाम, तो हमने वो रिमूव कर दिया कोर्स से, उसकी जगह चैट जीपीटी पर इम्प्रूव कर दिया। अच्छा चैट जीपीटी की बस दो चार बात करके मैं खत्म करता हूँ बात। आप देखो और से इस चीज को सोचें, अगर चैट जीपीटी बोल गूगल विजन से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है वो मैं चैट जीपीटी को देता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि जी इस ऑब्जेक्ट को ना आप ह्यूमन रीडेबल जुमले में कन्वर्ट कर देते हैं, कितने बंदे बता रहे हैं और जो जवाब दोगे ना वो एक जुमले में देना है तुमने, जिसमें सिर्फ ये बताओ ना तुम कितने लोग घूमने मान बोले तो दे रहा 30 पीपल इन लव ऐसे करते हो जवाब। आज से पहले क्या होता था कि डायलॉग फ्लो में मुझे बात तो समझ आ जाती थी जल्दी, लेकिन मुझे जवाब देने के लिए ना बड़ा मुश्किल होता था, मुझे वो पूरा जुमला कंस्ट्रक्ट करना पड़ता था। आज वक्त बंदा पूछ रहा है मेरे ऑर्डर का स्टेटस क्या है, अब मैंने उसका डेटा बेस से ऑर्डर इंटेंट को मुझे बता सकते हैं कि डेटा बेस से उसको ला के बताना है कि क्या स्टेटस है उसका, ऑर्डर पेंडिंग है या अप्रूव है, कैंसिल हो गया है या डिलीवर्ड हो गया है, और अगर नहीं डिलीवर हुआ तो कब होगा, क्या होगा, क्या मुझे ऐसा जुमला बता दूँ order number 1 is cancelled, order 2 order 2 number khala is approved, order number 3 is delivered at 3 PM today, aise karke mujhe jumla construct karna hai, ye java se karna hai usse ka, right?
जो बंदे ने प्लेस किए हुए। अच्छा अब उस बंदे को ना ये मुझे बताना है कि गिव मी अ यूजर रिप्लाई दैट टेल्स दिस दीज ऑर्डर्स स्टेटस। अब तीन ऑर्डर को देखेगा कि क्या था ऑर्डर में, और बिहारी ऑर्डर में कुछ नहीं है, क्या किया था, कितने बजे था, क्या ऑर्डर नंबर था। अच्छा साथ में इंस्ट्रक्शन लिखूंगा कि भाई क्लियर आंसर इंक्लूड ऑर्डर नंबर आइटम नेम एंड स्टेटस। वो तीनों चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे। अभी टाइम शॉर्ट है, बनने के एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अच्छा तो डायलॉग फ्लो के जो आंसर हम बना रहे होंगे ना, डायलॉग फ्लो से जो हम आंसर दे रहे होंगे बंदे को, वो आंसर को बना ये चैट जीपीटी से बड़ा आसान होगा। अच्छा और एक स्टेप से और आगे, क्योंकि अभी तक ये तो वो वाली बात नहीं हुई ना कि डायलॉग फ्लो को रिप्लेस कैसे करें, वो बात तो नहीं। अच्छा इन्होंने एक अभी रिसेंटली लॉन्च किया है कंप्लीशन मॉडल है, तो इनका एक तो चैट जीपीटी ना जो लोग यूज कर रहे हैं, असल में पीछे इनके ना तीन या चार या पांच वर्जन हो गए हैं। एक टेक्स्ट कंप्लीशन टेक्स्ट को कंप्लीट करता है, टेक्स्ट कंप्लीशन एक इनका जो वो इमेज जनरेट करता है, और एक इनका कोड कंप्लीशन जो आप कोड देते हैं उसको कंप्लीट करता है। एक इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया चैट कंप्लीशन, वो चैट करता है। अच्छा अब मुझे मिसाल के तौर पर एक ऐसे क्यू चैटबॉट बनाना है, मिसाल के तौर पर सैलरी के बारे में ऐसे क्यू चैटबॉट बनाना है। अब वेबसाइट पे इन्होंने जो बनाया होगा डॉक्यूमेंट दिया है कि 100 सवाल है, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 100 सवाल उनके जवाब देते हैं, मुझे उसका बनाना है चैटबॉट। अब चैट जीपीटी में ये काम इतना आसान है, इतना आसान हो गया है चैट जीपीटी के अंदर। डायलॉग फ्लो में क्या करना पड़ता है, 100 इंटेंट्स बताने पड़ते हैं, और हर इंटेंट में जो जो कि किस किस अंदाज में बंदा पूछ सकता है, तीन चार एग्जाम्पल बताने, बाकी वो खुद से समझ लेगा। तो मुझे 100 क्वेश्चन के लिए 100 इंटेंट बनाने पड़ते हैं डायलॉग फ्लो में। अच्छा चैट जीपीटी में काम ऐसे होगा, चैट जीपीटी में काम ऐसे होगा कि मैं उसको बोलूंगा कि भाई लुक एट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, उसके बाद मैं पूरा वो एफएक्यू पेस्ट करूंगा, वो 100 क्वेश्चन क्वेश्चन और भी जवाब, लुक एट द फॉलोइंग एफएक्यू डॉक्यूमेंट, उसके बाद वो पूरा डॉक्यूमेंट मैंने पेस्ट किया, उसके बाद मैं नीचे लिखूंगा कि जी बाय लुकिंग एट दिस डॉक्यूमेंट आंसर यूजर क्वेश्चन। फिर मैं लिखूंगा यूजर क्वेश्चन कॉलम, और उसके बाद वो बात जो यूजर ने मुझे अभी पूछी है उसे, और एंटर उस क्वेश्चन का जवाब उस डॉक्यूमेंट में देख के नेचुरल लैंग्वेज में आपको ही दे देगा, क्योंकि वो एलएलएम मॉडल है। तो वो उस डेटा को देखते हुए बात, डेटा को देखते हुए। अच्छा तो इस चैट जीपीटी के आने के बाद ना एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के नाम से पूरी एक फील्ड बकायदा इंट्रोड्यूस हो गया, कि मुझे पता चल गया टाइम ओवर हो गया। तो आप में से कोई जल्दी में तो नहीं मतलब है, दो चार मिनट और अगर मैं बोलूँ मतलब तो क्या बात कर रहा हूँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ना पूरी एक फील्ड इमर्ज हो गई। लोग कह रहे थे चैट जीपीटी आज जॉब चली जाएगी, जॉब की भाई नई जॉब भी है, ये फर्स्ट नई जॉब जो आई है ना वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो हम इस कोर्स में उस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को भी शामिल करेंगे। अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, जो मैंने अभी आपको बताई ना कि लुक एट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एंड आंसर दिस क्वेश्चन, उसका पूरा फॉर्मेट बनाना, उससे सही जवाब लेना, चैट जीपीटी से सही सवाल पूछ के सही जवाब लेना, दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये प्रॉम्प्ट होता है उसको देते हैं यदि क्या लिखे बिल्कुल ये सही जवाब, क्योंकि हेलुसिनेशन भी होती है उसमें, आप उससे कोई कोई भी बात पूछे ना वो कुछ ना कुछ बोल देता है, वो सही हो गलत हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियर का काम क्या होता है, सही सवाल पूछना है, सही जवाब उससे लेना है और उसको यूटिलाइज करना है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है ना, हम नेक्स्ट लेवल की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इस क्लास में कोशिश करेंगे, और हम किस पर्सपेक्टिव में सीखेंगे ये पूरा। तो आपने देखा कि पूरा का पूरा चैटबॉट भी ना इससे बन गया। अच्छा फिर इसमें अभी एक चीज़ और आ रही है, एंटिटी एब्स्ट्रैक्शन के नाम से। एंटिटी एक्सट्रैक्शन में क्या होगा कि जी चैट जीपीटी को जब मैं बात बताऊंगा ना, यदि गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर, अभी वन इज एन एंटिटी, अभी वन मुझे पकड़ना है अलग से डेटाबेस में, मुझे जो भी मतलब करना है उसका सेव कराना है डेटाबेस में, या चेक करना है कि वन ग्लास वाटर है कि
स्पीच एंटिटी एक्सट्रैक्शन भी उसमें पॉसिबल है। अच्छा फिर अभी इन्होंने स्पीच एपीआई के इंट्रोड्यूस किया विस्पर के नाम से, गूगल स्पीच एपीआई के टक्कर में ऑडियो आप उसको टेक्स्ट देते हैं वो आपको जो है ना ऑडियो बनाए सॉरी आप उसको ऑडियो देते हैं वो आपको टेक्स्ट बना के देते हैं। मेन तो मसला इसका ना कि बंदा जो बोल रहा है उसको समझे वो मिसाल के तौर पर गूगल असिस्टेंट को समझाएं आप कुछ बोलते हैं उनको समझ नहीं आता। गूगल स्पीच एपीआई जो है वो उतनी एक्यूरेट नहीं है नंबर उसको अगर आपने बोल रहे टू कोई सवाल पूछा था आपने उसके जवाब में बदल होगा टू अब उसको ये समझ आता है कि टी डबल ओ टू या टी ओ टू या टी डब्ल्यू ओ टू तीनों पर टू पर बोलते हैं तो समटाइम गड़बड़ होता है। तो ये विस्पर में ना मामला थोड़ा सा बेहतर है मल्टी लैंग्वेज है विस्पर पे वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को एक साथ समझता है ये उसका एक विस्पर। तो ये ओपन एआई बेस्ड और भी आ रहा है फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करें तो ये विस्पर और ओपन एआई का जो ये चैट कॉम्पिटिशन ये दोनों मिलकर इसमें इतना पोटेंशियल है कि शायद अल्टीमेटली डायलॉग लोगों के बेस है। अच्छा और कंटिन्यूसली आपको बताएंगे बैठे हो कंटिन्यूसली नए नए फ्रेमवर्क आ रहे हैं नई चीज़ें ये डेवलप कर रहे हैं उसे तो हम यहाँ पे डायलॉग फ्लो को मास्टर करेंगे। अच्छा शुरू देखो मास्टर करो शुरू होगा कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट सबसे पहले हम पढ़े बल्कि उससे भी पहले पहले दिन हम पढ़ेंगे विट। विट बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों को आपसे पहले से आपका होगा उसकी पहले दिन हम सबसे पहला काम ये पढ़ेंगे गिट पढ़ेंगे ठीक है। बल्कि आपको एक टास्क भी मैं दे रहा हूँ कि जी गिट हब डॉट कॉम वेबसाइट का नाम नोट कर लें गिट हब डॉट कॉम इस पे आप सब लोग अकाउंट बनाकर आइए पहले दिन आप क्लास में आएंगे उस पर आपने अकाउंट बना लेंगे होपफुली आपकी जो क्लास है वो मंडे वाले दिन होगी पहली आपको मैनेजमेंट मुझे बता देंगे कि क्या कब होपफुली मंडे को होगी। तो आपने गिट हब डॉट कॉम पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना फेसबुक की तरह जस्ट डेवलपर्स का सोशल मीडिया। तो पहले दिन हम पढ़ेंगे गिट उसके बाद हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का 3 या 4 वीक लगाएंगे शुरू में उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा सर्वर और डेटाबेस पढ़ेंगे क्योंकि ये तो बेसिक है आपने देखा सर्वर कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है सर्वर नहीं आता तो बाकी भी बढ़ेंगे। अच्छा तो ये हम जावास्क्रिप्ट सर्वर और डेटाबेस ये 3 चीज़ें हम पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा फ्रंट एंड क्योंकि वाइन तो बनानी है ना चाइल्ड स्क्रीन तो बनानी है थोड़ा सा हम फ्रंट एंड पढ़ेंगे रिएक्ट रिएक्ट हम इंशाल्लाह 2 क्लासेस में खत्म कर लेंगे क्यों रिएक्ट का समय डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इस क्लास में क्योंकि वेब डेवलपमेंट का कोर्स नहीं वेब डेवलपमेंट में रिएक्ट डिटेल में पढ़ा हम जस्ट इतना पढ़ेंगे कि हम वो छोटा सा यूआई बनाएंगे गाइस। अच्छा फिर वहाँ ये हमारा ना शुरू के जो 3 महीने हो गए वो हम ये काम करेंगे। अच्छा बाकी का जो 3 महीना होगा उसमें हम फिर शुरू करेंगे डायलॉग को डायलॉग को हम चैट बॉट बनाना सीखेंगे उसके बाद उस चैट बॉट को हम डिफरेंट वेब प्लेटफॉर्म सोशल प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करेंगे और उसके साथ उसके बाद फिर सबसे लास्ट में हम यानी जो लास्ट का जो 3 महीना है उसमें 1.5 महीने डायलॉग को और ये इंटीग्रेशन बाकी का 1.5 महीना हम ओपन एआई के जो चैट कंप्लीशन है इसको एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि इसमें क्या क्या पोटेंशियल है और इससे क्या क्या कुछ हो सकता है ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछने अगर और मैं बताना चाहूँगा सर हम सर्वर पे क्या यूज करेंगे नॉट जेएस एक्सप्रेस सर डेटाबेस के लिए क्या है मोंगोडीबी के लिए इतना ज़्यादा करंट ऑपरेशन मस्त है सर्वर पे भी ऑपरेशन है सर्वर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ठीक है बहुत एक्सटेंसिवली सर्वर को हम डिस्कस करते हैं नहीं रहेंगे हाँ लेकिन ये जो बताया थोड़ा सा पढ़ने के बाद ना बताया जो कोर्स है तो कंटिन्यूसली हम सर्वर पे कोड लिख रहे होंगे तो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स सर्वर के लिए आप मास्टर हो जाएंगे। हम जो चैटबॉट बनाएंगे उसका डेटा कहाँ से आएगा डेटा के लिए चैटबॉट की जरूरत नहीं चैटबॉट में डेटा की जरूरत नहीं समझ आएगा आपको क्यों नहीं होगी कंप्लेन होती है और उससे वो कुछ एक दो सवाल के फोन नंबर क्या है आपका आपका ईमेल क्या है आपका एड्रेस के बारे में तो ये हर इंटेंशन के लिए एक इंटेंट बनेगा हर फंक्शनैलिटी के लिए एक इंटेंट बनेगा।
अब पहले से ही हम ट्रेनिंग फ्रेज बता देंगे, लेकिन अच्छा जब ऑर्डर करके रहे ना, मतलब ये बात कर रहे हैं, उससे तीन से चार रुपये मुझे बताने होते हैं, बाकी उनको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हर इंटरनेट के तीन से चार रुपये बताने होते हैं, तो इतना डेटा तो खुद हाथ से ले सकते हैं, इसके लिए मुझे स्क्रैपिंग करने की जरूरत है। अगर मैं एफ ए क्यू का चैट बॉट बना रहा हूँ किसी किसी के चलाने के लिए, तो चलानी मुझे वो एफ ए क्यू का डॉक्यूमेंट देगा, मैं उससे देख के मैं इंटेंट सारे बनाऊंगा या उससे चैट जीपीटी को मुझे स्क्रैपिंग की जरूरत नहीं है। स्क्रैपिंग की जरूरत मे भी उस केस में पड़ सकती है यदि कोई बहुत बड़ा विकिपीडिया पूरे विकिपीडिया को आप उठाते हैं उस पर ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे विकिपीडिया को उठाते ना अगर आपने ए आई वाला सर्विस पर डाला तो वो उसको सपोर्ट नहीं करता इतने ज़्यादा डेटा। जैसे अभी चैट जीपीटी की अगर बात करें तो 32,000 कैरेक्टर से ज़्यादा वो लेता ही नहीं, अगर आपने ऐसे ही उसको दे दिया बहुत लंबा 32,000 कैरेक्टर से ज़्यादा देते तो वो मना करते हैं, बोलते भी बहुत लंबा, क्योंकि ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेटा भी काम नहीं होता। सारे बार गूगल भेजा नहीं किया को आपने कोई बहुत ज़्यादा बड़ी फोटो दे दी, सारे बार 500 मेगापिक्सल फोटो दे दिया आपने, वो दे रही मना करते उसमें लिमिटेशन होती है, कुछ डेटा आपका इतने 40 मेगापिक्सल तक आप दे सकते हैं, उसका तो लिमिट होती है, उतने ज़्यादा बड़ी को लेकर ही मना कर देगा प्रोसेस नहीं है। आमतौर पर अगर कोई बड़ा डेटा आ जाए हमारे पास तो उसको भी डिवाइड करने का चांस नहीं है, फोटो को अगर बहुत ज़्यादा बड़े चल रहे हैं उसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, चार उसमें काट के एक चाहिए देख लेते हैं इस तरह के। अरे चैट का जो भी सॉरी आप कब कर दीजिए, चैट का जो भी कंटेंट होता है ये सर्वर पे सेव हो रहा होता है, इसको रिकॉल किया जा सकता है या ये होल्ड करना पड़ेगा? जी बिल्कुल सेव हो रहा होता है, जिस ऑर्डर पे के चैटबॉट में बात की है उसमें जो ऑर्डर प्लेस करने का कंटेंट है, मैंने कहा जी बंदा जब बोले ना कि प्लेस है ऑर्डर, तो आप समझना कि ऑर्डर प्लेस है, ऑर्डर प्लेस करें और सामने से कलर के सवाल भी पूछूंगा कौन सा ऑर्डर लीजा कौन सा फ्लेवर कौन सा साइज है, ये सारे सवाल पूछूंगा, सारे सवाल पूछने के बाद जब वो ऑर्डर फाइनल हो जाएगा उसको मैं डेटा बेस में सेव करूँगा। फिर ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद वो सेव रहेगा? हाँ जैसे देखें मैं अगेन उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि चैटबॉट जो है जो जो या वॉइस एप्लीकेशन जो है एक नई तरह की कंप्यूटर है। अभी जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर है हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं टच स्क्रीन के जरिए, कीबोर्ड के जरिए या माउस के जरिए, वही सारे काम जो एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर में होते हैं वही सारे काम हम चैटबॉट के जरिए कर रहे होते हैं, बात करते हैं वही, ठीक है। तो जो जो चीज़ एक वेब एप्लीकेशन में हो सकती है ना, जो जो चीज़ एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हो सकती है, जो जो चीज़ एक मोबाइल एप्लीकेशन में हो सकती है, वो तमाम चीज़ें चैटबॉट में होंगी। हम बटन नहीं दबाएंगे, हम बोलेंगे लोगों को, ये आपको मैंने जनरल बात की है कि जो भी कुछ हो जाता है। अच्छा मुझसे शुरू में 2016 में ना लोग मुझसे पूछते थे कि सर एक्सेल की शीट कैसे वॉइस एप्लीकेशन में चलेगी, अब देखें आप चैट जीपीटी कहने के बाद वो सवाल भी खत्म, आप चैट जीपीटी को पूरी एक्सेल की शीट कॉपी करें, आपने आप बोले हैं कि अटेंडेंस शीट की रिपोर्ट को बनाओ, अटेंडेंस शीट आपकी एक्सेल को आपने कॉपी की पूरा यू पेस्ट किया और आपने नीचे लिखा कि इसकी रिपोर्ट तो ना हो टेक्निकल रिपोर्ट, वो एक्सेल करते हैं कॉपी करके पेस्ट करते हैं वो समझ जाता है, कॉपी करते हैं तो फाइल क्वेश्चन है उसके अंदर सब पावर है सुपर डेटा सब लेटर इसलिए हमने उसे कॉपी करके उसको समझ जाता है, उसकी रिपोर्ट बना देता है आपकी जो जो मोस्ट अटेंडेंस जिसकी नहीं है कोई बंदा है पूरा चार्ट बना के दिया है अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कि किस लैंग्वेज में उसको कितनी एक्यूरेसी है, पूरा चार्ट तो फिर आप इंग्लिश में सब लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन आप चैट जीपीटी से हमारा उसको भी पूछे ना तो जवाब दे देते, ठीक है। आप लिखे ना मेरे दोस्त शायद आपके नाम है मेरा फ्रेंड से तो वो गलत लिख कर रहा है, वो लिखता कैसे वो बात आ गया और एक्यूरेसी उसकी बढ़ाया हमारे चार्ट कर रहे हैं सर। हम तो कहते हैं उसको हिंदी में घुस जाए डायलॉग फ्लो के अंदर ना उर्दू की सपोर्ट इन्होंने दी थी कुछ अर्से पहले, लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर दिया,
उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था, मतलब उसकी एबिलिटी शायद 40% से कम थी, 30-40% थी। मैंने उसमें वो आया था तो मैंने वीडियो भी रिलीज की थी बना के, वो खुद ही अपनी प्रैक्टिस की थी 2 घंटे की वीडियो, मतलब फेसबुक पर ना लाइव आ गया बना रहा था वीडियो, क्या एडीएम की मैंने कुछ एयरपोर्ट बना के उसको डेमोस्ट्रेट की, वो नहीं समझ रहा था बात में, वो लोग रिस्पॉन्स नहीं था, वो उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया बाद में। हिंदी उसमें अवेलेबल है डायलॉग में, हिंदी में हम चैटबॉट बना सकते हैं। चैट जीपीटी में जो है वो उर्दू और हिंदी दोनों ही सकते हैं, अगर हम डायलॉग फ्लो को बिल्कुल हटा दें और चैट जीपीटी में टोटली काम करें तो वो उसको उर्दू चैटबॉट में बहुत ईजी होना। और इसी में कोई क्वेश्चन सर, ये AI कौन कौन करता है, जैसे लेट्स सपोज फेसबुक है, अब मेटावर्स कौन कर रहा है इसे, ये डायलॉग फ्लो है वो गूगल का फैक्टर है, डायलॉग फ्लो जो है वो गूगल का फैक्टर है। अब डायलॉग फ्लो के अलावा भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो चैटबॉट जिसको करते हैं, जिसमें अमेज़न का एक इलेक्स के नाम से हम, लेकिन वो फॉलो नहीं करते, सबसे एडवांस जो डायलॉग फ्लो है चैट जीपीटी जैसे चैट जीपीटी जो ओपन एआई के नाम से एक कंपनी है वो इसको फॉलो करती है। ओपन अच्छा देखो कंपनी के आमतौर पर एक मालिक नहीं होता, हमारे वाले हमारे यहाँ पर एक सेट होता है ना जो कंपनी वाला होता है, आमतौर पर जो 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 जिसको हम क्या कहते हैं LLA कंपनी जो होती है लिमिटेड लाइबिलिटी, हमारे यहाँ उसको प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं, हमारे यहाँ जो उस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड का मतलब होता है कि 2-4 लोगों ने मिल के ये कंपनी बनाई, तो उसमें से क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, ठीक है, वो की जो पब्लिक लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड में ये होता है कि वो शेयर उन्होंने पब्लिक भी किया, पब्लिक भी अपना पैसा उसमें डाल सकती है, ठीक है, ट्विटर वगैरह ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उसमें क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी $1 trillion कंपनी है, अगर कोई वो उसमें बहुत सारे अलग अलग लोग उनका पैसा डाल होता है, कुछ लोग अपना पैसा निकाल भी देते हैं, नए लोग भी आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, जैसे फेसबुक का वो एलॉन मस्क का 7% शेयर है, 7% उसको होल्ड करता है एलॉन मस्क, बाकी सारा जो सॉरी एलॉन मस्क है वो उसका 7% होल्ड करता है। इसी तरह जो ओपन एआई में जो एलॉन मस्क का जो शेयर है ना वो भी कम है, पूरा नहीं, वो भी पता नहीं 5-10% या पता नहीं 15%, बाकी 50% जो शेयर अभी है वो माइक्रोसॉफ्ट ने उसमें इतना पैसा डाल दिया पता नहीं